हाँ जी, क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक, कुशल मंगल। चलो जी, आज क्लास केवल इलेक्टिव लॉ वालों के लिए है और उनका टॉपिक होना है रेरा, रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट। रेरा टॉपिक होगा आज, हम उसका रिवीजन करेंगे। तो दिस वुड बी अ रिवीजन क्लास फॉर रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट दैट इज एप्लीकेबल फॉर इलेक्टिव लॉ, इकोनॉमिक लॉ का पोर्शन, पेपर नंबर 6 D फॉर दिल्ली। ठीक है, चलो जी। रेरा कानून, अभी तक मैं कह सकता हूं कि एग्जाम में शायद इतनी केस स्टडीज इतनी इसके ऊपर आई नहीं है जितना बड़ा ये एक्ट है। बट अगेन, ले देखे उसके पास 5 एक्ट हैं और अब मुझे लगता है आजकल जो स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा है वो हर एक एक्ट पे एक क्वेश्चन डालने की कोशिश कर रहा है। तो रेरा छोड़ने वाला नहीं बनता किसी भी हालत में। एंड ये मैं कहूँगा कि जितने भी आपके एक्ट हैं ना, शायद सबसे सबसे सिंपल एक्ट यही है। तो इसको ऐसा जरूर करके जाना कि इसके ऊपर क्वेश्चन आए तो छोड़ना गलती से भी। तो 4 5 में से 4 करने हैं ना, उसमें से एक रेरा जरूर करना, प्लीज मेक श्योर ऐसा जरूर करना आप लोग। ठीक है, चले कथा को बढ़ाते हैं आगे। और कथा को आगे बढ़ाने से पहले आएगा रेरा के नियमों पर आते हैं हम लोग। सेक्शन 3 से शुरू करेंगे कथा को। सेक्शन 3 में डेफिनेशंस पे नहीं आऊँगा, डेफिनेशन जहाँ कोई आती जाएगी उसको वहीं निपटाता जाऊँगा। सेक्शन 3, सबसे पहले अपन लोग रिवीजन शुरू कर रहे हैं, जो कहता है प्रायर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट विद अ रेरा। अब पूरे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में क्या कहा गया कि एक अथॉरिटी बनेगी जिसका नाम होगा रियल एस्टेट रेगुलेशन अथॉरिटी। एक्चुअल में इस एक्ट की जरूरत बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि आप जानते हैं कि बिल्डरों की हरकतें, आपने पैसा दिया उसके बाद प्रोजेक्ट क्या हुआ, ठंडे बस्ते में। कई प्रोजेक्ट ऐसे हुए हैं जो लटके पड़े हैं, आज भी लटके पड़े हैं, कुछ नहीं हो रहा है। इनफैक्ट रेरा आने के बाद बहुत कुछ हो गया, ऐसा मैं नहीं कहूँगा। रेरा आने के बाद भी प्रोजेक्ट लटक रहे हैं, बट फिर भी एक डर है कि अथॉरिटी एक्शन लेगी, जिस डर के कारण बिल्डर फिर भी कुछ एक्शन लेते रहते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं बिल्डर जो ड्रामे कर रहे थे, अब वो कमी आई है उनमें, बट पूरी तरीके से वो ड्रामे ठीक हो गए हैं मैं ये नहीं कहूँगा। दूसरी बात, पहले कुछ भी चिपका दिया जाता था। ये कहा जाता था कि फ्लैट का एरिया है 2500 स्क्वायर फीट, लोग खरीद लेते थे। 2500 स्क्वायर फीट का फ्लैट है, 3000 स्क्वायर फीट का फ्लैट खरीदा है, लोडिंग होता था 50%। लोडिंग मतलब कितना कॉमन एरिया में काट दिया, 50% मिला कितना, 1500 स्क्वायर फीट। पैसे किसके दिए, 3000 स्क्वायर फीट के, उसमें से मिला कितना, 1500 स्क्वायर फीट, और उसमें से भी 100 150 स्क्वायर फीट की बालकनी होती थी, ओपन एरिया होता था। तो रेरा इन सब नियमों को, इन सब बातों को ध्यान में रखकर आया और उसने कहा कि आज के बाद पैसे केवल कारपेट एरिया के लिए जाएंगे। कारपेट एरिया मतलब जो दीवारों के अंदर एरिया बना हुआ है ना, वो दीवारों के अंदर, जो बाहर की दीवारें उन्हें हटा देना, जो अंदर का एरिया है उसे केवल कारपेट एरिया कहा जाता है, जिसमें हम कोई बरांडा या फिर जो आपका ओपन एरिया लाइक बालकनी होता है उसे भी इंक्लूड नहीं करते। फिर इस एक्ट की जरूरत थी प्रमोटर्स के ऊपर जोर देने के लिए, उनकी मनमर्जी से रोकने के लिए, और अलॉटीज के अंदर भी कुछ डिसिप्लिन लाने के लिए। तो इसमें क्या रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट ही आते हैं? नहीं, रेजिडेंशियल प्लस कमर्शियल कोई भी आता है। ठीक है, प्लॉट हो, अपार्टमेंट हो, फ्लैट हो, सोसाइटी हो, सब कुछ इसके अंदर आता है। चले तो वही कहता है सेक्शन 3, क्या हर एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है? यस, किसके पास करवाना जरूरी है? रेरा अथॉरिटी के पास। अब एक अथॉरिटी होगी, हर स्टेट गवर्नमेंट अपने नियम बनाएगी उस अथॉरिटी के लिए, मगर उस अथॉरिटी के पास जाकर आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। किसको? प्रमोटर को। प्रमोटर मतलब बिल्डर भी कह सकते हो। तो कोई भी प्रमोटर तब तक अपने प्रोजेक्ट की एडवर्टाइजमेंट वगैरह भी नहीं करेगा जब तक कि वो रजिस्ट्रेशन ना करा ले रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स का रेरा अथॉरिटी के पास। आज भी मैं बताना चाहता हूँ कि आज भी होता क्या है, ताकि सुनने वाले सुन सकें कि रियल लाइफ क्या है, प्रैक्टिकल क्या है। प्रैक्टिकल लाइफ ये है कि यहाँ पर रेरा के अंदर रियल एस्टेट एजेंट हैं। इससे पहले कि प्रोजेक्ट लॉन्च हो, लॉन्चिंग से पहले ही प्रोजेक्ट को काफ़ी हद तक बेच दिया जाता है, चोरी चुपके से चेक, पोस्ट डेटेड चेक ले लिए जाते हैं और रेरा एजेंट ये कर देते हैं। ये एक नाम कह के कि हम आपको सस्ता दे रहे हैं, प्री लॉन्च ऑफर के नाम से इसे पुकारा जाता है, प्री लॉन्च। ये रियल लाइफ में हो रहा है, ताकि कोई सुन रहा हो अथॉरिटी वाला तो सुन ले कि अभी तक भी कुछ हो नहीं रहा, और खासकर हरियाणा अथॉरिटी में तो, और भगवान मालिक का उनका। चले आप सुनिएगा, कहता है जी कोई भी प्रमोटर
कोई भी प्रमोटर इन ओपन पार्किंग स्पेस अलाउड? यस अलाउड है करण जी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर्विस शाफ्ट भी कारपेट एरिया के अंदर नहीं आती, कारपेट एरिया के डेफिनेशन में सर्विस शाफ्ट होते हैं, जो पाइप लगे होते हैं ना घरों से जो वॉशरूम तक जा रहे होते हैं, उन्हें सर्विस शाफ्ट वगैरह कहते हैं। चले, इज ओपन पार्किंग स्पेस अलाउड? ओपन पार्किंग स्पेस मतलब प्रोजेक्ट के अंदर, प्रोजेक्ट के बाहर नहीं हो सकता, प्रोजेक्ट के अंदर अलाउ है। ठीक है करण जी, आप सुनिएगा, कहता कोई भी प्रमोटर एडवर्टाइज नहीं करेगा, मार्केट नहीं करेगा, सेल नहीं करेगा। एंड चलो जी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब तक कि रजिस्टर न करवा ले वो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को रेरा अथॉरिटी के पास। ओके, अब रेरा अथॉरिटी के पास रजिस्टर्ड कराने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, सेक्शन 4 के अंदर हम जिसकी अभी चर्चा करेंगे। एप्लीकेशन किसको दोगे? अथॉरिटी को दोगे फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रोजेक्ट दैट इज ऑन गोइंग ऑन द कमेंसमेंट ऑफ द डेट। ठीक है जी, ऑन विच फॉर विच द कंप्लीशन सर्टिफिकेट हैज नॉट बीन इश्यूड, जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ उन प्रोजेक्ट्स के लिए भी, जिस दिन ये एक्ट आया उस दिन तक जो कंप्लीट नहीं हुए थे उन प्रोजेक्ट्स के लिए भी, और जो नए लॉन्च होने हैं उसकी तो एडवर्टाइजमेंट तक भी नहीं होगी। ठीक है, फिर आगे कहता है, अथॉरिटी को अगर सही लगता है कि कोई प्रोजेक्ट ऐसा है जो कि प्लानिंग एरिया से आगे चला गया है, प्लानिंग एरिया में कवर नहीं हो रहा, बट फिर भी जो लोकल अथॉरिटी है उससे अप्रूवल मिल चुका है, जो लोकल अथॉरिटी है उससे अप्रूवल मिल चुका है, तो अथॉरिटी क्या कह सकती है? कह सकती है कोई दिक्कत नहीं, हम फिर भी इस प्रोजेक्ट को रजिस्टर्ड कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चले, फिर कहता है पूरा एक्ट कब लगेगा, सारे नियम कब लगेंगे? जिस दिन रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रोजेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए अलॉटीज आपको भी चाहिए कि जब तक प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड ना हो तब तक आप मजे ना लें, तब तक आप मजे ना लें, तब तक उस प्रोजेक्ट में पैसा ना लगाएं, अदरवाइज आपका पैसा अटक जाएगा। आगे कहता है दिस सेक्शन फर्दर प्रोवाइडेड नो रजिस्ट्रेशन ऑफ द रियल एस्टेट प्रोजेक्ट शैल बी रिक्वायर्ड, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कहता है जब लैंड का एरिया, जिस लैंड पर प्रोजेक्ट बन रहा है अगर वो 500 स्क्वायर मीटर तक है, 500 स्क्वायर मीटर, अब वो ध्यान रखना, अब आपसे स्क्वायर फीट में भी कन्वर्ट करवा सकता है, स्क्वायर यार्ड्स में भी कन्वर्ट करवा सकता है, तो इन बातों का थोड़ा ध्यान रख लेना, स्क्वायर मीटर स्क्वायर यार्ड्स वगैरह में। एक 9 फीट का एक यार्ड बनता है, एंड आई थिंक 1.1 यार्ड होता है शायद, एक बार कंफर्म कर लेना केल्सी से, जिसका एक स्क्वायर मीटर बनता है, एक स्क्वायर मीटर बनता है, तो उस हिसाब से देख लेना, 1.1 होता है, स्क्वायर यार्ड इज इक्वल टू 1 स्क्वायर मीटर। तो 500 स्क्वायर मीटर से ज्यादा का एरिया नहीं होना चाहिए, और उसमें 8 अपार्टमेंट अगर हैं, 8 अपार्टमेंट अगर हैं तब तक तो चलेगा, मगर 8 से ऊपर जाते ही आपका रजिस्ट्रेशन आपको करवाना पड़ेगा। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अगर चाहे तो इस 500 या 8 की लिमिट को और ज्यादा कम भी कर सकती है। अब वो कहता है कि अगर प्रमोटर ने कंप्लीशन सर्टिफिकेट ऑप्टेन कर लिया है रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का, तो फिर क्या होगा? अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट वो ऑप्टेन कर चुका है तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, जिस वक्त ये एक्ट आया उस वक्त ही आप कंप्लीशन सर्टिफिकेट ऑप्टेन कर चुके थे। और आगे बढ़ते हैं, कहते हैं कि अगर मान लीजिए आप कोई रिनोवेशन रिपेयर या रीडेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, रिनोवेशन रिपेयर और रीडेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, ओके, जिसके लिए आपको मार्केटिंग की जरूरत नहीं है और ना ही आप कोई नया प्लॉट फ्लैट बेचने जा रहे हैं, तो फिर भी आपको उसके लिए रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, आपको उसके लिए दोबारा रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। आजकल के बिल्डर क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि भैया बड़ी सीधी सी बात है कि हम प्रोजेक्ट को फेजेस में लॉन्च करेंगे, फेज 1 इतने टावर, ABC टावर, फेज 2 CDE टावर, ऐसे को करके प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं आजकल के बिल्डर। तो फिर क्या होगा? लॉ कहता है कि अगर मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट फेजेस में लॉन्च किया जाता है तो उसके बाद हर फेज का अलग रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, ध्यान रखना, पुराने रजिस्ट्रेशन के नंबर के बेसिस पर दूसरे नए फेज में अप्लाई मत करना जब तक उसका रजिस्ट्रेशन ना आ जाए। तो कहते हैं फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन वेयर द रियल एस्टेट प्रोजेक्ट इज टू बी डेवलप्ड इन द फेजेस एवरी सच फेज शैल बी कंसिडर्ड एज अ स्टैंड अलोन रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। ठीक हो गई इतनी बात, और आगे बढ़ सकते हैं। चले,
फिर सेक्शन फोर बात करता है एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर द रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की। वो कहता है कि एप्लीकेशन कौन देगा, प्रमोटर देगा, किसको देगा, रेरा अथॉरिटी को देगा। फॉर्म और मैनर क्या होगा, वो कहता है जी हम प्रेस्क्राइब करेंगे। प्रेस्क्राइब क्या है, रूल्स। हर स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी के अलग अलग रूल्स हैं, हर स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी के अलग अलग रूल्स हैं, इसलिए रूल्स आपके सिलेबस में नहीं दिए जा सकते, नहीं दिए जा सकते। विनय मेहरा जी प्लीज, अभी मैं कंप्लीशन सर्टिफिकेट और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट पे आया नहीं हूं, तो इसलिए प्लीज आगे की क्वेरी मत पूछो। चले आप सीए फाइनल में हो और वो भी लास्ट ग्रुप कर रहे हो, तो प्लीज बी मैच्योर। आगे, द प्रमोटर शैल इंक्लूड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट अलोंग विद एप्लीकेशन। जब आप एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन के लिए जाओगे तो क्या क्या लगाओगे, पहला डिटेल ऑफ द एंटरप्राइज, अपनी कंपनी की डिटेल। दूसरा, प्रोजेक्ट जो आपने पास्ट में लॉन्च किए पिछले 5 साल के अंदर एमसीक्यू पर्पस से आ सकता है, ध्यान रखना, उनका स्टेटस बताना, कोई डिले हुआ कि नहीं ये बताना, केसेस पेंडिंग है जो अलॉटीज ने आपके ऊपर किए हैं, और टाइप्स ऑफ लैंड एंड पेमेंट पेंडिंग वगैरह, ये सब की डिटेल वगैरह बताना। ओके, फिर उसके बाद ऑथेंटिकेटेड कॉपी ऑफ द अप्रूवल। अगर प्रोजेक्ट उस लैंड पे शुरू करने से पहले किसी कंसर्न अप्रूवल की जरूरत है तो बताओ। कमेंसमेंट सर्टिफिकेट चाहिए अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, तो वो ऑप्टेन करो और वो भी साथ में लगाओ, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट, और फिर जाके एप्लीकेशन को प्रपोज करो। सेंक्शन प्लान, लेआउट प्लान एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। स्पेसिफिकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट का मतलब है कि एमिनिटीज क्या क्या होने वाली है, फॉर एग्जाम्पल बाहर की टाइल्स कौन सी होंगी, खजारिया की या किसकी, क्या चिमनी वगैरह लगा के दोगे, किचन क्या मॉड्यूलर होगी, ये सब चीजें। ये सब चीजें ठीक हो गया। एक होता है लेआउट प्लान, सेंक्शन प्लान मतलब पूरा प्रोजेक्ट का नक्शा, फिर लेआउट प्लान मतलब अंदर का फ्लैट्स का नक्शा कैसा होगा, फिर स्पेसिफिकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट मतलब एमिनिटीज कौन कौन सी होती होंगी, इन सब के बारे में लिखो। ओके, फिर plans of the development work to be executed in the proposed project and facilities to be provided including firefighting facility, drinking water facility, rain harvesting facility, ये सब जो भी facility आप provide करने वाले हो उन development works के बारे में project में चर्चा करो। location details बताओ, map लगाते हैं ना, map Google map से link करते हैं, तो वो perform of the allotment letter, allotment letter का format बताओ, एग्रीमेंट फॉर सेल का लेटर बताओ, और फाइनल में जब सारी पेमेंट होने के बाद टाइटल डीड ट्रांसफर होगी, कन्वेंस डीड कहते हैं उसे, तो उसका भी परफॉर्मा बताओ, एंड टू बी साइंड बाय विद ऑल द अलॉटीज, उसका भी परफॉर्मा हमें अभी ही डिफाइन कर दो। चले, फिर उसके बाद कहते हैं नंबर टाइप एंड कार्पेट एरिया ऑफ द अपार्टमेंट। नंबर, कितने नंबर ऑफ फ्लैट बिकाऊ है, टाइप रेजिडेंशियल है या कमर्शियल, एंड कार्पेट एरिया, क्योंकि इसी के बेसिस पे सेल होनी है, ध्यान रखना इसी के बेसिस पे सेल होनी है। द नंबर एंड एरिया ऑफ द गैराज फॉर द सेल इन द प्रोजेक्ट। भैया ये भी बताओ कि पार्किंग का लॉट कितने नंबर ऑफ फ्लैट है और कितने पार्किंग के स्पेस हैं। तो पता लगा फ्लैट बेच रहे हो 1000 और पार्किंग है 200, तो बाकी 800 कारें कहां, सड़कों पर खड़ी होंगी, ऐसा नहीं हो सकता। क्लियर हो गई इतनी बात, और आगे बढ़ना शुरू करते हैं। फिर कहता है नेम एंड एड्रेस ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर, आर्किटेक्ट, स्ट्रक्चरल इंजीनियर, आजकल लिखते हैं ना ज्यादा प्रोजेक्ट लॉन्च होते हैं तो लिखते हैं कौन इसका आर्किटेक्ट कौन है, हफीज कॉन्ट्रैक्टर दुबई, ऐसे आजकल लिखते हैं ना, तो वो तो ये कि बताओ कौन इंजीनियर है, आर्किटेक्ट वगैरह कौन है, उसके बारे में बताओ। फिर उसके बाद एफिडेविट के द्वारा भी कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट किए जाएंगे प्रमोटर के द्वारा, एफिडेविट पे सबमिट किए जाएंगे। क्या, पहला कि जो लीगल टाइटल डीड है लैंड की वो उसी के ऊपर है, वो उसी के पास है, वो किसी और के पास नहीं है। दूसरा, जो लैंड है उसने कहीं कर गिरवी नहीं रखवाया, डेट इज फ्री फ्रॉम ऑल सॉर्ट ऑफ इनकम्ब्रेंस, यानी कि सारे चार्ज वगैरह से वो लैंड एकदम फ्री है। ये बताइए कि प्रोजेक्ट कितने साल में कंप्लीट होने वाला, आप कोरोना ने तो सारे प्रोजेक्ट का भूत बना दिया है, बट फिलहाल प्रोजेक्ट कितने टाइम में कंप्लीट होने वाला है वो बताओ, टाइम पीरियड उसको एफिडेविट पे लिख के दो। और एक और बात लिखना कि जो भी अलॉटीज से पैसा आएगा उसका 70%, ये इंपॉर्टेंट फिगर है ध्यान रखना, 70% ऑफ द अमाउंट रियलाइज फ्रॉम द रियल एस्टेट प्रोजेक्ट फ्रॉम द अलॉटी, ये सेपरेट अकाउंट में डिपॉजिट किया जाएगा इन अ शेड्यूल बैंक, और जिसको यूज किया जाएगा कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड लैंड कॉस्ट के लिए, और केवल यहीं पे यूज कर सकते हो, किसी और पर्पस के लिए नहीं। और दूसरी बात,
ऑडिटर इस बात को सर्टिफाई भी करेगा। कहता है द अमाउंट फ्रॉम विच अकाउंट शेल बी विड्रॉन बाय द प्रमोटर आफ्टर इट इज सर्टिफाइड बाय एन इंजीनियर। देखो कौन कौन कर रहा है, एन आर्किटेक्ट एंड अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, तभी विड्रॉल होगा 70% पोर्शन। जितने प्रपोर्शन में प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है उसी प्रपोर्शन के अंदर ये कंप्लीट होगा, ये मैं आप अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 10% कंस्ट्रक्शन हुआ है, स्टेचुटरी ऑडिटर प्लस आर्किटेक्ट प्लस इंजीनियर तीनों सर्टिफाइड करेंगे तभी 10% पैसा निकाल सकते हो, अदरवाइज नहीं। फिर कहता है प्रमोटर शेल गेट हिज अकाउंट ऑडिटेड विद इन 6 मंथ्स, 6 महीने के अंदर अंदर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आप अपने अकाउंट्स को ऑडिट करोगे। और उसमें जरूर लिखा जाएगा कि जो अमाउंट रेज किया गया इस प्रोजेक्ट के लिए वो केवल इसी प्रोजेक्ट में यूज हुआ है और प्रॉपर परसेंटेज के अंदर निकाला गया है, ये स्टेच्यूटरी ऑडिटर सर्टिफाई करके अपने ऑडिट रिपोर्ट के अंदर भी जरूर देगा। अगली बात, तो एफिडेविट भर दिया, एफिडेविट भर दिया, एफिडेविट के अंदर क्या क्या आ रहा है देखिएगा। डी पॉइंट तक हमने कर दिया, उसके बाद ई पॉइंट, डेट एफिडेविट पे लिखोगे जितनी भी पेंडिंग अप्रूवल रह गई हैं, वो जितनी भी अथॉरिटी से रह गई हैं, फॉर एग्जांपल लोकल अथॉरिटी, एमसीडी, डीडीए, इन सब से कोई भी अप्रूवल रह गई है तो आप लेके आओगे, लेके आओगे। चले परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड, नहीं बेटा मेथड हम नहीं बता सकते क्योंकि आर्किटेक्चरल साइंस होती है तो वो लोग बताते हैं, हम सीए के नाते हमारे लिए नहीं है ये। डेट ही हैज फर्निश्ड सच अदर डॉक्यूमेंट एज मे बी प्रेस्क्राइब बाय द रूल्स और रेगुलेशन मेड अंडर द एक्ट, ये रूल एंड रेगुलेशन बाय द रिस्पेक्टिव अथॉरिटी होती है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। सच अदर इन्फॉर्मेशन एज मे बी प्रेस्क्राइब बाय द रेरा अथॉरिटी, जितना एक्ट नहीं है उससे तो 2 गुना रूल्स हैं बट वो हमारे सिलेबस में नहीं है, ये अच्छी बात है। आगे अथॉरिटी जो है एक वेब पोर्टल बनाएगी, एक वेबसाइट बनाएगी और उस वेबसाइट पे जैसे ही कोई एप्लीकेशन सबमिट करेगा, एप्लीकेशन सबमिट के बाद उसको एक यूजर आईडी और पासवर्ड भी दिया जाता है, जब प्रोजेक्ट को रजिस्टर्ड कर दिया जाता है और पासवर्ड मिलने के बाद वो उस प्रोजेक्ट की वेबसाइट पे जाकर, रेरा अथॉरिटी की वेबसाइट पे जाके अपने प्रोजेक्ट की सारी डिटेल वगैरह डाल सकता है। बट फिलहाल कहता है अथॉरिटी के ऊपर डाला है कि अथॉरिटी क्या करेगी, ऑपरेशनलाइज करेगी अब वेब बेस्ड ऑनलाइन सिस्टम फॉर सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, बस विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। वो अब हो चुका है, सारी एस्टेब्लिश हो चुकी है, लास्ट में गुड़गांव अथॉरिटी अभी एस्टेब्लिश हुई है। ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन सेक्शन 5 क्या कहता है, अच्छा ये एमसीक्यू पर्पस से ना आ जाए यार इसलिए ध्यान रखना, 1 साल के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स एस्टेब्लिशमेंट, यानी कि अथॉरिटी के एस्टेब्लिश होने के 1 साल के अंदर अंदर वेब पोर्टल जनरेट किया जाएगा। मोहित मंगला प्लीज इस चैप्टर की पीडीएफ प्रोवाइड कर दीजिए। मोहित मंगला जी एक लाइन चल रही है नीचे जहां मैं पढ़ा रहा हूं, वहां लाइन पे देखिएगा टेलीग्राम का आईडी आ रहा है, वो टेलीग्राम की आईडी पे क्लिक करके फटाफट निकाल लीजिए। चलिए बोथरा जी आगे बढ़ते हैं आप। फिर कहता है जी ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन सेक्शन 5 क्या कहता है, कहता है जी अथॉरिटी को आपने सेक्शन 4 में एप्लीकेशन सबमिट की, अथॉरिटी तुम्हारा काम है कि 30 दिन के अंदर अंदर आप इस प्रोजेक्ट को रजिस्टर्ड कर दोगे, अगर 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्टर्ड ना कर पाए तो लॉ कहता है देखो जी ऐसा है अगर आपने रजिस्टर्ड ना किया तो फिर रिजेक्ट कर दो, रिजेक्ट कर दो कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है 30 दिन के अंदर अंदर, तो यानी कि 30 दिन के अंदर या तो रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर दो या फिर उसे रिजेक्ट कर दो, और रिजेक्ट अगर करते हो तो उसे अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ड जरूर देना, अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ड जरूर देना, ठीक हो गई इतनी बात। बट अगर 30 दिन में ना तो तुमने रजिस्टर्ड किया ना रिजेक्ट किया तो क्या होगा, तो फिर हम मान लेंगे कि प्रोजेक्ट शेल बी डीम्ड टू हैव बीन रजिस्टर्ड, यानी कि अगर अथॉरिटी ने रजिस्ट्रेशन या रिजेक्शन नहीं किया तो हम मान लेंगे कि रजिस्टर्ड है, उसके बाद अथॉरिटी 7 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ दीज 30 डेज एक यूजर आईडी और लॉग पासवर्ड जो है प्रमोटर को देगी, वो जब भी रजिस्ट्रेशन करेगी ना तब भी देगी 30 दिन के अंदर अंदर। वैसे तो तुम्हें यूजर आईडी और पासवर्ड जनरेट करके उसे देना है रेरा के अथॉरिटी के पेज पर ही, और फिर उस यूजर आईडी और पासवर्ड के द्वारा वो बिल्डर अपना एक पेज अलग से डेवलप करेगा रेरा अथॉरिटी के अंदर ही, ठीक है ना, टू क्रिएट हिज वेब पेज एंड टू फिल देयर इन द डिटेल ऑफ द प्रपोज प्रोजेक्ट। फिर उसके बाद क्या कहता है, कहता है रजिस्ट्रेशन शेल बी वैलिड फॉर अ पीरियड डिक्लेयर्ड बाय द प्रमोटर,
प्रमोटर ने पीरियड डिक्लेयर किया होगा ना कि फॉर एग्जांपल मेरा प्रोजेक्ट इतने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा, तो जितना भी टाइम उसने लिखा है उस पीरियड के अंदर प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए, और रजिस्ट्रेशन केवल तब तक ही वैलिड रहेगा। अगर तब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता तो फिर ऐसे ये रजिस्ट्रेशन वगैरह ये वापस ले लिया जाएगा। आगे बढ़े, फिर उसके बाद कहता है एक्सटेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, जिसके पीछे आजकल सारे डीलर भाग रहे हैं और सारे डेवलपर भाग रहे हैं। क्यों? कहता है जी, अगर मान लीजिए कोई ऐसा इवेंट आया जिसे हम फोर्स मजौरे कहते हैं। फोर्स मजौरे का मतलब है कि फॉर एग्जांपल वॉर हो गया, आजकल चांसेस बड़े लग रहे हैं आर्मेनिया और उसके बीच में जो अजरबैजान में हो रहा है, फ्लड आ गया, ड्रॉट हो गया, फायर हो गया, साइक्लोन, अर्थक्वेक और एनी अदर कैलेमिटीज, तो इसे कैलेमिटीज घोषित किया गया, कोरोना का भी। तो फिर कोरोना में एक्सटेंशन मिल रहा है सबको? यस। सवाल उठाइए, एक्सटेंशन कब तक मिल सकता है? मैक्सिमम 1 साल तक के लिए मिल सकता है, मैक्सिमम 1 साल के लिए, फोर्स मजौरे इवेंट के कारण। ठीक है जी, चले और आगे बढ़ते हैं। रिवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन सर्ट आपने दिया इस प्रोजेक्ट के लिए इस बिल्डर को, क्या आप उसे वापस भी ले सकते हो? जी हाँ। अथॉरिटी क्या कर सकती है? अगर उसे कोई कंप्लेन रिसीव होती है, या सुओ मोटो भी एक्शन ले सकती है। फॉर एग्जाम्पल सुओ मोटो कैसे लेगी? एक बिल्डर ने, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए जेपी इंफ्रास्ट्रक्चर ने या जेपी वालों ने एक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया नोएडा का, और गुड़गांव का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, तो वहां पर भी इमीडिएटली सुओ मोटो एक्शन ले सकती है अथॉरिटी, बड़ी सीधी सी बात है। और ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, फॉर एग्जाम्पल जो लोकल अथॉरिटी है उनकी रिकमेंडेशन पे भी, फॉर एग्जाम्पल लैंड का टाइटल क्लियर नहीं है या ये कुछ भी अगर है, रिवोक कर सकती है रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड अगर सेक्शन 5 के अंदर। एक बात ध्यान रखना, जब भी आप किसी के खिलाफ एक्शन लेना चाहते हो तो उसे रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ट देनी पड़ती है, बात ध्यान रखना। यहां कहता है अथॉरिटी सेटिस्फाइड होनी चाहिए, किस बात के लिए? किस बात के लिए? कि प्रमोटर ने डिफॉल्ट किया है इन डूइंग एनीथिंग रिक्वायर्ड बाय द एक्ट और रूल एंड रेगुलेशन मेड देयर अंडर। प्रोजेक्ट को डिले किया है, प्रोजेक्ट में जो स्पेसिफिकेशन थी, लेआउट प्लान थे, वो गड़बड़ कर दिए हैं। अब देखो, मैं बिल्डर का नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, और बट मैं बताता हूँ, मैंने अपने छोटे पोपलियों के लिए गुड़गांव के अंदर एक प्रोजेक्ट लिया था। अच्छा, एक मैंने आपको जब नॉर्मल क्लासेस ली थी तो एक प्रोजेक्ट के बारे में बताया था कि वहाँ क्या हुआ। ऑरिस बिल्डर था उसका, तो नाम भी मुझे लेना चाहिए, ऑरिस बिल्डर। नाम सुनो, गुड़गांव सुनो, कभी इस बिल्डर पे जाना मत। दूसरी बात, अब एक और बिल्डर की मैं बात कर रहा हूँ। इस बिल्डर ने क्या किया, गुड़गांव के अंदर प्रोजेक्ट लॉन्च किया, और प्रोजेक्ट लॉन्च करने के बाद मैंने इस प्रोजेक्ट में अपने दूसरे पोपली के नाम पैसा वहाँ इन्वेस्ट किया था। अगेन चेक से ही पेमेंट करता हूँ मैं, क्योंकि मुझे डर रहता है कि भैया ये ले लू के भागना जाए। अब सुनना, संयम सिन्हल जी प्लीज आप मैसेज बार बार मत कीजिए, फाइनल की क्लास है प्लीज, ये आगे सुनिएगा। उसके बाद क्या हुआ, जब प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ ना, मैंने उसे स्पेसिफिकली कहा था कि मुझे कॉर्नर की शॉप चाहिए, छोटे पोपली के नाम किया था, मुझे कॉर्नर की शॉप चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, उसके लिए उन्होंने प्रेफर्ड लोकेशन चार्जेस पे किया, प्रेफर्ड लोकेशन चार्जेस मुझसे लिए 10%, मैंने पे किए, कोई दिक्कत नहीं। प्रोजेक्ट अब 2 साल पूरे हुए हैं, ग्राउंड फ्लोर तक बना है, मेरी जो शॉप है वो सेकंड फ्लोर पे, अभी तक सेकंड फ्लोर पे आया नहीं है। अब उन्होंने कहा आपकी शॉप कॉर्नर से हटा के मिड में कर दी गई है। अब मेरे पास सेक्शन 7 के अंदर एक्शन लेने का अधिकार तो है, बट जानते हो आज की डेट में अथॉरिटी बंद है कोरोना के चक्कर में, मेरे को 3-4 साल ना लग जाए, मुझे तो ये डर है, क्योंकि इतनी एप्लीकेशन पेंडिंग हो गई है, इतनी एप्लीकेशन पेंडिंग हो गई है, पूछो मत। बट फिलहाल कहता है रिवोक किया जा सकता है अगर बिल्डर ने जो कहा था वो किया नहीं है इस एक्ट के अंतर्गत, दिखाया कुछ और था, आपको ये वाला प्लॉट मिल रहा है, ये वाला दुकान मिलेगी, दी कुछ और है, मिडल में वो कर दिए। द प्रोमोटर वॉयलेट एनी ऑफ द टर्म एंड कंडीशन ऑफ द अप्रूवल, लेआउट प्लान चेंज कर दिया, सेंक्शन प्लान चेंज कर दिया। द प्रोमोटर इज इन्वॉल्व इन एनी काइंड ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस और इररेगुलरिटी, ये पेपर में आ सकता है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस और इररेगुलरिटी, इसका मतलब क्या है?
कहता है जी, इसका मतलब है इट मींस द प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग एनी स्टेटमेंट वेदर इन राइटिंग और बाय द विजिबल रिप्रेजेंटेशन विच फॉल्सली रिप्रेजेंट दैट द सर्विसेज आर ऑफ अ पार्टिकुलर स्टैंडर्ड और ग्रेट। कि हम इस तरीके की सर्विसेज आपको देंगे, मॉड्यूलर किचन देंगे, पता लगा किचन मॉड्यूलर है ही नहीं, पुराने जमाने की है। रिप्रेजेंट दैट प्रमोटर हैज अप्रूवल और एफिलेशन विच सच प्रमोटर डज नॉट हैव। मैं अभी चंडीगढ़ में गया था क्योंकि मेरा प्लान था कि बच्चों को लेकर ना चंडीगढ़ शिफ्ट हो जाते हैं, एक साफ सुथरा सा शहर है। वहाँ मैं एक प्रोजेक्ट के अंदर गया। अच्छा, प्रोजेक्ट के अंदर गया तो वहाँ पे एक बिल्डर प्रोजेक्ट बेच रहा था। उसने कहा कि सर हमारे प्रोजेक्ट के साथ एक फीचर है, वो क्या कि हमारे प्रोजेक्ट के साथ आपको गोल्फ कोर्स की मेंबरशिप फ्री मिलेगी। मैंने कहा अच्छा जी, गोल्फ कोर्स है सामने। उसने कहा सर बिल्कुल, फ्लैट से नीचे देखो तो गोल्फ कोर्स नजर आ रहा है। मैं बड़ा हैरान, मैंने कहा अच्छा जी चलो जी दिखाओ जी गोल्फ कोर्स दिखाओ। अब गोल्फ कोर्स देखा तो वो गवर्नमेंट का गोल्फ कोर्स था। उसकी मेंबरशिप मिलेगी या नहीं ये तो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, ये तो बता भी नहीं सकता क्योंकि वो गवर्नमेंट का गोल्फ कोर्स है। तो वहां पे तो नॉर्मली कोई भी ले सकता है, तो ये लेके क्या दे रहा है? वो तो 8-10 हजार रुपए या 15 हजार रुपए लाइफ टाइम लेके कोई भी ले सकता है। तो उसको दिखा के प्रोजेक्ट बेच रहा है, और अगर किसी को ना दिखा ले पाया तो मान लीजिए अथॉरिटी ने मना कर दिया तो ये गलत है ना। रिप्रेजेंटेड प्रमोटर हैज अप्रूवल और एफिलेशन विद सच प्रमोटर डज नॉट हैव। उनके पास कोई अप्रूवल नहीं थी उस चीज की जिसको बता के वो प्रोजेक्ट बेच रहे हैं अपना। मेक अ फॉल्स और मिसलीडिंग रिप्रेजेंटेशन कंसर्निंग द सर्विसेस, तो इसे कहा जाता है अनफेयर प्रैक्टिसेस। ठीक है जी। फिर कहता है द प्रमोटर परमिट द पब्लिकेशन ऑफ एनी एडवर्टाइजमेंट और प्रोस्पेक्टस विच इन एनी वे इंटेंडेड टू बी ऑफर्ड। मतलब जो आपको देने की इच्छा नहीं थी बट आपने फिर भी ऐसी एडवर्टाइजमेंट लॉन्च कर दी है, लॉन्च कर दी है। यू कैन शिफ्ट इन अहमदाबाद, मेरा बड़ा फेवरेट शहर है अहमदाबाद भी। जी आने वाला कल अनाउंसमेंट आएगा, अभी प्लीज आप यहां से चले जाओ, फाइनल की क्लास है। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़े। कहते हैं कि जो रजिस्ट्रेशन करवाया है, द रजिस्ट्रेशन जो ग्रांट हुआ है प्रमोटर अंडर सेक्शन 5 शैल नॉट बी रिवोक्ड। मैंने कहा ध्यान रखना, किसी को भी दी हुई चीज वापस लेना चाहते हो, उसके खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहते हो, तो उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड जरूर देना, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड जरूर देना इन राइटिंग स्टैंडिंग द ग्राउंड ऑन विच इट इज प्रपोज टू रिवोक द रजिस्ट्रेशन एज कंसिडर्ड एनी शोन कॉज बाय द प्रमोटर। ठीक है ना। आगे कहता है कि जरूरी नहीं कि अथॉरिटी जो है वो प्रोजेक्ट को रिवोक ही करे, अगर उसको लगता है कि बेटर इंटरेस्ट में ये रहेगा कि कुछ और चेंजेस करवा दिए जाए, फॉर एग्जांपल प्रमोटर को इंटरेस्ट का कह दें कि भैया इंटरेस्ट पे कर, तो वो भी ऐसा भी एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। तो इंस्टेड ऑफ रिवोकिंग द रजिस्ट्रेशन परमिटेड टू रिमेन इन फोर्स सब्जेक्ट टू सच फर्दर टर्म एंड कंडीशन एज इट मे डीम फिट, तो ऐसा भी कर सकती है अथॉरिटी। अब अगर अथॉरिटी ने डिसाइड किया कि नहीं भैया जी अब तो हमें रिवोक ही करना है, तो फिर क्या करेगी, वो जो एक लॉगिन आईडी वगैरह मिला है ना अभी रजिस्ट्रेशन पर, उसको रिस्ट्रिक्ट कर देगी। अब उसको रिस्ट्रिक्ट कर देगी और इस प्रमोटर का नाम लिस्ट ऑफ डिफॉल्टर में डाल देगी। यहां पर सबसे सख्त अथॉरिटी इंडिया में कौन सी है पता है? एमरेरा, महाराष्ट्र रेरा, सबसे जबरदस्त अथॉरिटी। मेरी नजर में सबसे ढीली अथॉरिटी कौन सी है, फ्रेंकली स्पीकिंग, दिल पे पत्थर रखकर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, हरियाणा अथॉरिटी। मुझे और नहीं पता उनसे ढीले भी कोई होंगे मगर कसम से। चलो जी मगर फिर भी वो सुना है, आप धीरे धीरे चुस्त होते जा रहे हैं, चुस्त होते जा रहे हैं। मैं अपनी बात को कवर अप भी कर रहा हो सकता हूं मगर नहीं, मगर सुना है कि चुस्त हो रहे हैं। आगे कहता है इस प्रमोटर का नाम डिफॉल्टर के अंदर डाल दिया जाएगा अपने वेब पे, वेबसाइट वगैरह के ऊपर, ताकि पब्लिक को ध्यान रहे कि इन डिफॉल्टर्स के प्रोजेक्ट में पैसा नहीं लगाना है। फिर कहता है शेल फैसिलिटेट द रिमेनिंग डेवलपमेंट वर्क टू बी कैरिड आउट इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन ऑफ सेक्शन 8। सेक्शन 8 हम देखेंगे जहां पर आपको या तो गवर्नमेंट अथॉरिटी कोई कंप्लीट करती है या और कोई प्राइवेट बिल्डर कंप्लीट करता है या फिर एसोसिएशन ऑफ अलॉटी कंप्लीट करती है। आपने देखा होगा आम्रपाली का प्रोजेक्ट कौन कंप्लीट कर रहा है, आम्रपाली बिल्डर का प्रोजेक्ट कौन कंप्लीट कर रहा है, एक प्राइवेट बिल्डर कंप्लीट कर रहा है, मेरे दिमाग से उसका नाम निकल गया यार। दूसरा ऐसे ही आपने एनबीसीसी है या शायद कौन है, नहीं वो जेपी वालों का एनबीसीसी कंप्लीट कर रहा है, आम्रपाली बिल्डर का कोई और कंप्लीट कर रहा है, ऐसे ही। मतलब अगर ऐसा हुआ तो रिमेनिंग डेवलपमेंट वर्क किसी और से भी करवाया जा सकता है। नेक्स्ट,
वो मैं गर्वित कल अनाउंस कर दूंगा, डोंट वरी, कल अनाउंस होगा। मैं थोड़ा बिजी था मगर कल अनाउंस कर दूंगा पक्का। शेल डायरेक्ट द बैंक होल्डिंग द प्रोजेक्ट बैंक अकाउंट टू फ्रीज द अकाउंट। वो डायरेक्ट कर सकता है बैंकों की, वो जो 70% वाला एस्क्रो अकाउंट था ना जिसमें पैसा आया हुआ है, उसको फ्रीज कर दो ताकि यहां से वो पेमेंट निकाल ही ना पाए, क्योंकि जब ये अब प्रोजेक्ट चला ही नहीं रहा तो फिर ये कहां से पेमेंट निकाल सकता है। फिर मे इश्यू सच डायरेक्शन एज इट मे डीम नेसेसरी, ये रिवोकेशन के ऊपर है, रिवोकेशन के ऊपर। फिर कहता है ऑब्लिगेशन ऑफ द अथॉरिटी कंसिक्वेंट अपॉन लैप्स ऑफ और रिवोकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। तो भैया प्रोजेक्ट को अगर आपने रिवोक कर दिया तो उसके बाद अथॉरिटी तुम्हारी ऑब्लिगेशन बनती है। वो ऑब्लिगेशन क्या बनती है? ऑब्लिगेशन ये बनती है कि कंसल्ट कीजिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से कि अब इस प्रोजेक्ट का क्या करना है। कैरिंग आउट द रिमेनिंग डेवलपमेंट वर्क बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, या तो कोई अथॉरिटी डिसाइड कीजिए, और बाय द एसोसिएशन ऑफ अलॉटी और इन एनी अदर मैनर एज मे बी डिटरमाइंड बाय द रेरा अथॉरिटी। ठीक है जी। फिर उसके बाद क्या कहता है जी, सुनिएगा। कहता कोई भी डिसीजन डायरेक्शन और ऑर्डर ऑफ अथॉरिटी तब तक नहीं किया जाएगा, शेल टेक इफेक्ट अंटिल द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ अपील प्रोवाइडेड अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। वो कहता है अगर मान लीजिए अथॉरिटी के ऑर्डर के खिलाफ, रिवोकेशन के खिलाफ सामने वाले ने, प्रमोटर ने अगर अपील फाइल कर दी है रेरा अथॉरिटी के खिलाफ, रेरा ट्राइब्यूनल वगैरह के पास, रेरा अपीलेट अथॉरिटी के पास अपील जाती है, तो अगर उसने अपील फाइल कर रखी है तब तक आप ये एक्शन नहीं लोगे, तब तक आप ये एक्शन नहीं लोगे, क्योंकि वो अपील में है, तो जब तक अपील डिस्पोज ऑफ नहीं आ जाती। ठीक है, और आगे बढ़ना शुरू करते हैं। मैं लास्ट में बताऊंगा, ये याद दिलाना, आगे बढ़ते हैं। कहता है अगर रिवोकेशन ऑफ प्रोजेक्ट हो जाता है, द एसोसिएशन ऑफ अलॉटी शैल हैव द फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल। इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले किसके पास जाओगे? एसोसिएशन ऑफ अलॉटी के पास, कि आप इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना चाहते हो। अगर वो कहते हैं नहीं, तब जाकर आप कंपिटेंट अथॉरिटी वगैरह के पास जा सकते हो। क्लियर हो गई बात? एसोसिएशन ऑफ अलॉटी के पास फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल होगा रिमेनिंग डेवलपमेंट वर्क करने का, रिमेनिंग डेवलपमेंट वर्क करने का। मैंने सुना नहीं कि अभी तक की कोई भी एसोसिएशन ऑफ अलॉटी ने बड़े प्रोजेक्ट में टेक ओवर किया हो, क्योंकि ना लड़ाई झगड़े होते हैं उनके बीच में, तो इसलिए ज्यादातर कंपिटेंट अथॉरिटी ने ही टेक ओवर किए हैं और उन्होंने गवर्नमेंट एजेंसी NBCC वगैरह को दे दिया है। और आगे बढ़ते हैं। कहता है रजिस्ट्रेशन ऑफ अ रियल एस्टेट एजेंट, ये ध्यान रखना, इन पे भी सवाल पूछा जा सकता है। कहता है नो रियल एस्टेट एजेंट शेल, कोई भी रियल एस्टेट एजेंट बेटा तू बेचने की कोशिश नहीं करेगा, एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ एनी पर्सन टू फैसिलिटेट द सेल और परचेज ऑफ एनी प्लॉट अपार्टमेंट वगैरह इन रियल एस्टेट प्रोजेक्ट और एनी पार्ट ऑफ इट, तब तक नहीं करेगा जब तक तू बेटा रजिस्ट्रेशन ना करा ले। यानी कि रियल एस्टेट एजेंट, तेरा भी रजिस्ट्रेशन जरूरी है और उसका भी रजिस्ट्रेशन जरूरी है। इनफैक्ट जब सेक्शन 4 में एप्लीकेशन दी जाती है तो बताया जाता है कि कौन कौन से रियल एस्टेट एजेंट है जो हमारे पास रजिस्टर्ड है। ठीक है, आगे। एवरी रियल एस्टेट एजेंट शैल मेक एन एप्लीकेशन टू द अथॉरिटी फॉर रजिस्ट्रेशन, द अथॉरिटी शैल विद इन सच पीरियड एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। ये अगेन रूल्स में है जो हमारे सिलेबस में नहीं है। अब अथॉरिटी क्या कर सकती है, इसे एक स्टेट का दे सकती है कि भैया इस स्टेट का रजिस्ट्रेशन आपके पास है, या फिर ऐसा भी कर सकती है कि ग्रांट अ सिंगल रजिस्ट्रेशन टू द रियल एस्टेट एजेंट फॉर द एंटायर स्टेट और UT एज अ केस में भी, या फिर इसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी किया जा सकता है। मगर एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जा रहा है तो फिर अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ड जरूर देना। तो यानी कि जब भी रियल एस्टेट एजेंट की एप्लीकेशन आएगी तो अथॉरिटी एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। इनफैक्ट हर एजेंट को पूरी स्टेट के लिए ही अप्लाई किया जाता है, किसी पार्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए मैंने नहीं देखा अभी तक किसी को अप्लाई किसी को किया हो, उन्हें पूरी स्टेट के लिए ही किया जाता है। और दूसरा, उसे रिजेक्ट भी किया जा सकता है एप्लीकेशन को, मगर रिजेक्ट करने के बाद अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ड देना जरूरी है। और आगे बढ़ना शुरू करते हैं। कहता है अगर मान लीजिए कंप्लीशन ऑफ द पीरियड स्पेसिफाइड अंडर सबसेक्शन 3, कौन सा पीरियड स्पेसिफाई था भाई, विद इन सच पीरियड एज मे बी प्रिस्क्राइब, तो ये रूल्स में लिखा हुआ है, मैंने कहा हमारे सिलेबस में नहीं है। कहता जो भी पीरियड है वो स्पेसिफाइड होने के बावजूद भी, अगर मान लीजिए रियल एस्टेट एजेंट जिसने की एप्लीकेशन दी है, अगर कोई उसको कम्युनिकेशन नहीं आ रहा है, तो फिर क्या मानेंगे, मानेंगे कि उसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, मानेंगे कि उसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। जी मंजीत सिंह जी, आगे बढ़ना शुरू करते हैं।
फिर कहता है हर रियल एस्टेट एजेंट जो कि रजिस्टर्ड है एज पर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल बी ग्रांटेड अ रजिस्ट्रेशन नंबर बाय द अथॉरिटी। हर रियल एस्टेट एजेंट को एक रजिस्ट्रेशन नंबर, यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर अथॉरिटी की तरफ से मिलेगा। रजिस्ट्रेशन वैलिड होगा उस पीरियड के लिए जो कि अथॉरिटी प्रेस्क्राइब करेगी। तो हमारे सिलेबस में नहीं है अगेन वो रूल्स। रिवोकेशन और सस्पेंशन, क्या रियल एस्टेट एजेंट के लाइसेंस को रिवोक या के सस्पेंड किया जा सकता है? यस, सस्पेंशन का मतलब होता है थोड़े टाइम के लिए, रिवोक मतलब परमानेंटली वापस। ठीक है जी, आप सुनिएगा। कहता है वेयर एनी रियल एस्टेट एजेंट हु हैज बीन ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन अंडर दिस एक्ट कमिट ब्रीच ऑफ एनी कंडीशन, यानी कि जिन कंडीशंस के बेसिस पे उसे कहा गया था कि बेटा तुम इन शर्तों का पालन करोगे, अगर उसने उसका ब्रीच किया, इस एक्ट या रूल एंड रेगुलेशन में दी गई कंडीशन का ब्रीच करता है अगर वो, तो फिर अथॉरिटी में रिवोक द रजिस्ट्रेशन और सस्पेंड द सेम फॉर सच पीरियड एज मे डीम फिट। मगर करने से पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ड, रूब देना जरूरी है, रूब देना जरूरी है। और आगे बढ़े चलिए जी। फंक्शंस ऑफ द रियल एस्टेट एजेंट, रियल एस्टेट एजेंट के कौन कौन से फंक्शंस हैं इस एक्ट के अंदर। पहला फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी रिसेंटली हमने केस स्टडी एमटीपी की थी, वहां पे यही दिया हुआ था। दिल्ली में दो प्रोजेक्ट के लिए सिंगल रजिस्ट्रेशन ले सकता है एजेंट, ले सकता है, मगर एजेंट बेवकूफ होगा अगर वो ऐसा कर रहा है तो। दिल्ली, पूरे दिल्ली का रजिस्ट्रेशन लेना, कोई ऐसा केस नहीं देखा जिसने अथॉरिटी ने केवल उसी प्रोजेक्ट के लिए रजिस्टर्ड किया, वो नॉर्मली पूरे स्टेट के लिए रजिस्टर्ड करते हैं। आगे बढ़ते हैं, फंक्शंस ऑफ द रियल एस्टेट एजेंट। जी, पहला फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है रियल एस्टेट एजेंट अंडर से रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 9 शैल नॉट फैसिलिटेट द सेल और परचेज ऑफ एनी प्लॉट, अपार्टमेंट और बिल्डिंग इन अ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट और पार्ट ऑफ बींग बीइंग सोल्ड बाय द प्रमोटर इन एनी प्लानिंग एरिया व्हिच इज नॉट रजिस्टर्ड विद द अथॉरिटी। प्रैक्टिकल लाइफ जम के काम हो रहा है, जम के ये काम हो रहा है। प्रोजेक्ट लॉन्च होने से पहले ये प्रोजेक्ट के चेक उठा लेते हैं, आज के डेट में भी अगर मुझे पता है तो मुझे लगता है कि अथॉरिटी के ऑफिशियल्स को भी इसकी नॉलेज होनी चाहिए। आगे, मेंटेन द प्रिजर्व सच बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिकॉर्ड एंड डॉक्यूमेंट, अपने सारे क्लाइंट्स के इन्फॉर्मेशन, उनके रिकॉर्ड्स सब आपके पास रहेंगे। कैश में खूब ट्रांजेक्शन अभी भी ये लोग कर रहे हैं, खूब कर रहे हैं। इनफैक्ट मैंने डीलर को जब ये, मैंने बिल्डर, अगेन बिल्डर का नाम नहीं कहूंगा, मैंने जब कहा कि बेटा चेक ले ले, चेक ले ले, वो कह रहा नहीं आपको देना तो कैश ही पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, मैं प्रोजेक्ट में ले ही नहीं रहा, मुझे लेना ही नहीं है, फिर कितनी अजीब बात है बताओ। तो मैंने मना कर दिया, अल्टीमेटली मैंने प्रोजेक्ट इन्वेस्ट ही नहीं किया। कहता है मेंटेन एंड प्रिजर्व सच बुक्स ऑफ अकाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब नॉट इन्वॉल्व हिमसेल्फ इन एनी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। इसकी डेफिनेशन बिल्कुल वही है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की, जैसा अभी के अभी, बिल्कुल अभी के अभी सेक्शन बता दो तो बड़ा अच्छा लगेगा। कहां पर देखी थी आपने बिल्कुल अभी के अभी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की डेफिनेशन, कहां देखी थी? सेक्शन 7 में, सेक्शन 7 में देखी थी, बोलो ना। हाँ चले जी, तो बिल्कुल वही डेफिनेशन सेम एज सेक्शन 7। ऑलमोस्ट, तो एक बार पढ़ लेना। फॉल्सली रिप्रेजेंटेड सर्विस आर ऑफ अ पार्टिकुलर स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेड प्रमोटर हिमसेल्फ, थोड़ा सा यहां पे देखिएगा, और हिमसेल्फ हैज अप्रूव्ड और एफिलिएशन व्हिच द प्रमोटर डज नॉट हैव, मेक अ फॉल्स और मिसलीडिंग रिप्रेजेंटेशन। एमिनिटीज के बारे में गलत तरीके से बताया गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कहता है, परमिटिंग द पब्लिकेशन ऑफ एनी एडवर्टाइजमेंट वेदर इन न्यूज पेपर और अदरवाइज ऑफ द सर्विसेज डेट आर नॉट इंटेंडेड टू बी ऑफर्ड। कई बार आप देखे होंगे कि आजकल न्यूज पेपर में फ्रंट फ्रंट पेज की, पूरे पेज की एड आती है प्रोजेक्ट्स की, और वो कौन होते हैं, नीचे रियल एस्टेट एजेंट्स के नाम लिखे होते हैं, ये बिल्डर के बिहाफ पर एड इशू करते हैं, तो फिर आप भी दोषी हो, उतने ही दोषी हो जितना बिल्डर दोषी है। चले, फैसिलिटेट द पोसेशन ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट एज द अलॉटी इज एंटाइटल्ड टू एट द टाइम ऑफ बुकिंग ऑफ एनी प्लॉट। यानी ये अलॉटमेंट, प्लॉट बुक करते समय अलॉटी को जो भी डॉक्यूमेंट मिलने चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आपको जब आप अमाउंट डिपॉजिट करते हो तो आपको जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह मिलना चाहिए, चाहे वो एग्रीमेंट टू सेल हो या कोई भी अलॉटमेंट लेटर हो, कुछ भी हो, वो जरूर अवेलेबल कराओगे। ये किसका काम है? रियल एस्टेट एजेंट का काम है।
ये रियल एस्टेट एजेंट का काम है। और आगे बढ़ते हैं, फंक्शंस एंड ड्यूटीज ऑफ द प्रमोटर। एवरी नाउ एंड देन इस पे सवाल बनने की पॉसिबिलिटी रहेगी, ध्यान रखना। रियल एस्टेट एजेंट को नोटिस क्यों नहीं देते विनय मिश्रा जी? किस चीज का नोटिस? फंक्शंस एंड ड्यूटीज ऑफ द प्रमोटर क्या कहता है? कहता है प्रमोटर शेल, जिस दिन उसे लॉग इन आईडी और पासवर्ड मिलेगा, अपना वेब पेज वो क्रिएट करेगा और उसमें डिटेल मेंशन करेगा पूरे के पूरे प्रोजेक्ट के। कौन कौन सी चीजें? डिटेल्स ऑफ द रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड बाय अथॉरिटी, उसमें बताएगा कि मुझे रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर मेरा ये है। क्वार्टरली अप टू डेट लिस्ट ऑफ द नंबर एंड टाइप्स ऑफ अपार्टमेंट और प्लाट एज मे बी बुक्ड, जितने भी बुक हैं उनकी क्वार्टरली रिटर्न। लिस्ट ऑफ द नंबर ऑफ द गैराज बुक्ड। क्वार्टरली अप टू डेट लिस्ट ऑफ द अप्रूवल टेकन एंड अप्रूवल विच आर पेंडिंग। अप टू डेट स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोजेक्ट फोटोग्राफ के साथ में प्रोजेक्ट का स्टेटस लगाना पड़ता है हर 3 महीने के अंदर। एंड सच अदर इन्फॉर्मेशन एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द रेगुलेशन। फिर उसके बाद कहता है एडवर्टाइजमेंट और प्रोस्पेक्टस इशूड बाय द प्रमोटर शैल मेंशन प्रोमिनेंटली द वेबसाइट एड्रेस ऑफ द अथॉरिटी। लिखते हैं वो, फॉर अदर इन्फॉर्मेशन यू मे प्लीज विजिट द वेबसाइट ऑफ आर अथॉरिटी वेयर वी आर रजिस्टर्ड। इस रजिस्टर्ड वेबसाइट का एड्रेस जरूर देते हैं, वेयर द डिटेल ऑफ द होल प्रोजेक्ट हैव बीन एंटर्ड एंड इंक्लूड द रजिस्ट्रेशन नंबर ऑब्टेन फ्रॉम द अथॉरिटी। तो वहाँ रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर जरूर लिखा जाता है जो भी एडवर्टाइजमेंट लॉन्च होती है उसके अंदर, जो भी एडवर्टाइजमेंट और प्रोस्पेक्टस लॉन्च होता है उसके अंदर रेरा का रजिस्ट्रेशन नंबर प्लस पूरा प्रोजेक्ट की डिटेल कहां पर वेरीफाई की जा सकती है वो सब कुछ दिया जाता है। और आगे बढ़ना शुरू करते हैं। कहता है प्रमोटर एट द टाइम ऑफ बुकिंग एंड इश्यू ऑफ द अलॉटमेंट लेटर शेल बी रिस्पॉन्सिबल टू मेक अवेलेबल टू अलॉटी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। हाँ जी, अलॉटमेंट लेटर के अंदर कुछ चीजें मेंशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कंटेंट ऑफ अलॉटमेंट लेटर क्या क्या होना चाहिए, सेंक्शन प्लान, लेआउट प्लान एंड अप्रूव्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बाय डिस्प्ले एट द साइट और सच अदर प्लेस एज मे बी स्पेसिफाइड। अलॉटमेंट लेटर के अंदर ये चीज आनी जरूरी है। और दूसरा, टाइम वाइज शेड्यूल ऑफ कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट कब कंप्लीट होगा, इंक्लूडिंग द प्रोविजन ऑफ सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक वाटर, सैनिटेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी। कब कब ये चीजें कंप्लीट होके मिल जाएंगी फॉर एग्जाम्पल, तभी उसके बेसिस पे ना वो पेमेंट प्लान बनाते हैं, जिसको आप कहते हो कि कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान का नाम देते हैं वो लोग। तो अलॉटमेंट लेटर का कंटेंट क्या है, ये दोनों पॉइंट ध्यान रखना। अलॉटमेंट लेटर का कंटेंट क्या है प्लीज ये दोनों ध्यान रखना, कि ये दोनों चीजें आनी जरूरी है, एमसीक्यू पर्पस से ये पूछा जा सकता है, प्लीज ध्यान रखना। अगली बात, द प्रमोटर शेल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द ऑब्लिगेशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड फंक्शंस। प्रमोटर की जिम्मेदारी रहेगी प्रोजेक्ट लॉन्च करने तक से लेकर टिल द कन्वीनियंस ऑफ ऑल द अपार्टमेंट प्लॉट्स और बिल्डिंग एज द केस मे बी, जब तक उनकी टाइटल डीड ट्रांसफर नहीं हो जाती तब तक प्रमोटर हर काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इनफैक्ट टाइटल डीड ट्रांसफर होने के अगले 5 साल तक भी वो रिस्पॉन्सिबल है, अभी आएगा। कहता है प्रोवाइडेड दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रमोटर विद रिस्पेक्ट टू द स्ट्रक्चरल डिफेक्ट और अदर डिफेक्ट शेल कंटिन्यू इवन आफ्टर द कन्वीनियंस डीड ऑफ ऑल द अपार्टमेंट प्लॉट और बिल्डिंग एज द केस मे बी टू द अलॉटीज आर एग्जीक्यूटेड। स्ट्रक्चरल डिफेक्ट अगर आया, फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग ऐसी कच्ची बनाई नीचे गिरने की संभावना है, तो फिर ये स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है, इसका दोषी प्रमोटर, तुम लाइफ टाइम रहोगे। ऐसे प्रोजेक्ट गिर नहीं सकता, 5 साल या 8 साल बाद नीचे गिर जाए, ऐसा नहीं हो सकता। आगे, बी रिस्पॉन्सिबल टू ऑब्टेन द कंप्लीशन सर्टिफिकेट और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। देखो, कंप्लीशन सर्टिफिकेट होता है एक, एक ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट होता है। कंप्लीशन सर्टिफिकेट मतलब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मतलब आप इसमें इंसान रहने आ सकता है। तो नॉर्मली आप कंप्लीशन सर्टिफिकेट ऑप्टेन करने के बाद अगर सब कुछ आपने बना लिया है, सब कुछ रेडी है, तो 30 दिन के अंदर अंदर ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट भी आपको मिल जाता है। ठीक है, बी रिस्पॉन्सिबल टू ऑप्टेन द लीज सर्टिफिकेट। फॉर एग्जाम्पल नोएडा जैसी लैंड के ऊपर या लवासा जैसी लैंड के ऊपर अगर आपने बनाया तो लीज होल्ड लैंड है, तो लीज सर्टिफिकेट भी ऑप्टेन करके देने की जिम्मेदारी प्रमोटर की है अगर वो लीज होल्ड लैंड के ऊपर प्रोजेक्ट बनाया है। फिर फॉर मेंटेनिंग, बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग एंड मेंटेनिंग द एसेंशियल सर्विसेस ऑन द रीजनेबल चार्जेस।
भाई रीजनेबल चार्जेस मतलब जो जो मंथली मेंटेनेंस चार्जेस वगैरह लिए जाते हैं, तो एसेंशियल सर्विसेज मेंटेन रहेगा टिल जब तक प्रोजेक्ट को टेक ऑन ओवर ना कर ले एसोसिएशन ऑफ अलॉटी। मुझे लगता है ईश्वर कभी भी एसोसिएशन ऑफ अलॉटी को प्रोजेक्ट का ट्रांसफर ना करे। भाई साहब यहाँ पर इतनी पॉलिटिक्स होती है, इतनी गड़बड़ होती है। अभी रेरा अभी आया है ना, अभी देखना जब ट्रांसफर होने शुरू होंगे ये इनको एसोसिएशन ऑफ अलॉटी को, तो कितनी दिक्कत आएंगी देखना। पर फिलहाल इनेबल द फॉर्मेशन ऑफ एन एसोसिएशन और सोसाइटी और कोऑपरेटिव सोसाइटी एज द केस में बी ऑफ द अलॉटी। तो यानी कि इस लायक बनाएगा, पूरा माहौल क्रिएट करेगा कि एसोसिएशन ऑफ अलॉटी बन सके। बन सके कब तक बन जानी चाहिए, कब तक बन जानी चाहिए? एब्सेंस ऑफ द लोकल लॉ, अगर कोई लोकल लॉ के अंदर ऐसा कुछ नहीं लिखा गया तो ध्यान रखना द एसोसिएशन ऑफ अलॉटी हो जानी चाहिए शेल बी फॉर्म विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द अलॉटी हैविंग बुक देयर प्लॉट और अपार्टमेंट एज द केस में बी इन द प्रोजेक्ट। जिस दिन मेजोरिटी ऑफ द प्लॉट वगैरह आपके पास बिक जाएंगे उसके बाद विद इन 3 मंथ ये हो जानी चाहिए। आगे कहता है एग्जीक्यूट अ रजिस्टर्ड कन्वीनियंस डीड, यानी कि वो जो आपकी टाइटल डीड है उसका रजिस्ट्रेशन करवाना भी प्रमोटर का ही काम है इन फेवर ऑफ अलॉटी अलॉन्ग विद द अनडिवाइडेड प्रपोर्शन टाइटल इन द कॉमन एरिया। अब वो उसके अंदर वो लिफ्ट एरिया भी आपका है, लिफ्ट भी आप यूज कर सकते हो, स्विमिंग पूल भी आप यूज कर सकते हो, ग्राउंड भी आप यूज कर सकते हो, ये सब कुछ भी टाइटल डीड के अंदर क्लियरली लिखा जाएगा। पे ऑल आउटगोइंग अंटिल द ट्रांसफर द फिजिकल पोजीशन ऑफ द रेरा प्रोजेक्ट। यानी कि कई बार है आप जैसे मान लीजिए कन्वीनियंस डीड होती है, टाइटल डीड ट्रांसफर होती है ना, तो अथॉरिटी को पेमेंट होती है, तो जो अथॉरिटी को पेमेंट होती है वो बिल्डर किससे रिकवर करते हैं, अलॉटी से। तो अलॉटी से रिकवर करके फिर वो ना अथॉरिटी के पास एक टाइम ले लेते हैं कि जिस दिन हम अलॉटी को बुलाएंगे और रजिस्टर्ड डीड टाइटल डीड ट्रांसफर कर देंगे। तो अथॉरिटी से जो पेमेंट ली है किसके लिए ली है, अथॉरिटी को, सॉरी अलॉटी से जो पेमेंट ली है किस लिए, अथॉरिटी को पे करने के लिए। तो जितना भी आपने अलॉटी से पेमेंट उठाया है वो सारा अथॉरिटी के पास ट्रांसफर हो जाना चाहिए। फिर कहता अगर मान लीजिए आपने अलॉटी से पेमेंट उठाई परंतु आपने जमा नहीं कराई तो यू विल कंटिन्यू टू रिमेन लायबल। किसके बारे में बात हो रही है, प्रमोटर के बारे में। फिर कहता है आफ्टर यू एग्जीक्यूट एन एग्रीमेंट फॉर सेल फॉर एनी अपार्टमेंट प्लॉट और बिल्डिंग एज द केस मे बी नॉट मॉर्टगेज, यानी कि उसे ये बात बतानी पड़ेगी कि वो जो प्लॉट वगैरह वो बेचने जा रहा है वो मॉर्टगेज वगैरह नहीं है। मुझे लगता है सवाल ये पूछ सकता है आपसे कि भैया वो मॉर्टगेज है। अगर मान लीजिए मॉर्टगेज है फिर क्या होगा? कहता जी ऐसी बात है कि अगर तो वो मॉर्गेज है तो वो जो अलॉटी अगर वो गुड गुड फेथ के अंदर है तो उसका टाइटल फिर भी अफेक्ट नहीं होगा, ये पेपर में पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। एंड इफ एनी सच मॉर्गेज और चार्ज इज मेड और क्रिएटेड इट शेल नॉट अफेक्ट द राइट एंड इंटरेस्ट ऑफ द अलॉटी हु हैज टेकन सच अपार्टमेंट प्लॉट और बिल्डिंग एज द केस में बी इन द गुड फेथ। ठीक है ना, उसे पता नहीं होना चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखना। प्रोमोटर में कैंसिल द अलॉटमेंट ओनली इन टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट फॉर सेल, यानी कि जो टर्म्स एग्रीमेंट फॉर सेल में लिखी गई हैं केवल उन्हीं के बेसिस पर ये अलॉटमेंट कैंसिल किया जा सकता है। परंतु अगर आप कैंसिल करने जा रहे हो तो अलॉटी के पास रहेगा ऑप्शन, रहेगा कि वो अथॉरिटी के पास रिलीफ के लिए जा सकता है अगर वो इफ ही इज फीलिंग एग्रीड बाय सच एक्शन ऑफ द प्रमोटर। ऑब्लिगेशन ऑफ द प्रमोटर रिगार्डिंग वेरेसिटी ऑफ द एडवर्टाइजमेंट और द प्रोस्पेक्टस। भाई साहब एडवर्टाइजमेंट में जो दिया हुआ था उससे अगर चेंज हो रहा है तो फिर अब क्या होगा? जैसे मैंने कहा एडवर्टाइजमेंट लॉन्च की, मैंने कॉर्नर बेस लिया था, आज वो चेंज हो रहा है, तो ऑब्लिगेशन ऑफ द प्रमोटर क्या है? हालांकि उन्होंने मुझे प्रेफर्ड लोकेशन चार्जेस मेरे थोड़े से वापस कर दिए, तो इसलिए मैं एक्शन नहीं ले रहा क्योंकि एक्शन लेने का टाइम ही नहीं है। कहाँ जाऊंगा, कोई अथॉरिटी बन नहीं है, कोरोना पीरियड में कैसे जाऊंगा? तो इसलिए तो कहता है वेयर एनी पर्सन मेक एनी एडवांस और डिपॉजिट ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन मेंशन इन द नोटिस और एडवर्टाइजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एनी मॉडल अपार्टमेंट, मॉडल अपार्टमेंट जो सैंपल फ्लैट वगैरह देते हैं ना वो प्लॉट और बिल्डिंग एंड सस्टेन एनी लॉस और डैमेज बाय द वे ऑफ इनकरेक्ट और द फॉल्स स्टेटमेंट शेल बी कंपनसेटेड बाय द प्रमोटर।
However, if the person affected by such incorrect statement etc. intend to withdraw, अगर वो वापस लेना चाहता है अपना from the proposed project, ले सकता है. दिक्कत ये है, option कोई exercise नहीं करता. क्यों? क्योंकि तभी तो ये बड़े बड़े builder क्या करते हैं, DLF को छोड़ दो बस, केवल DLF को छोड़ दो. बाकी सारे बिल्डर क्या कर रहे हैं, जिनको नॉर्थ इंडिया में मैं जानता हूं, जिनके प्रोजेक्ट चलते हैं, 50% पेमेंट लगभग रेजिडेंट लगभग उसमें मांगते हैं कैश के अंदर, जब तक आप बहुत जोर ना दो कि मैं तो दूंगा ही वाइट में. फिर अगर चेंज हुआ, आप प्रोजेक्ट में से विड्रॉ करना चाहते हो, वो आपको 50% वाइट वाला पोर्शन देंगे बस. बड़ी बदमाशी है भाई साहब, बड़ी बदमाशी है. With his entire investment along with interest at such rate as may be prescribed. 50% portion पे interest दे भी दिया तो भी क्या हुआ, profit ही कमाया. समझ आया? तो बदमाशियां बहुत बड़े बड़े level की हैं. No deposit or advance to be taken by the promoter without first entering into the agreement for sale. अच्छा section है, ध्यान रखना, section 13 paper के लिए important बनता ही. कहता प्रमोटर शेल नॉट एक्सेप्ट अ सम मोर देन 10%. 10% से ज्यादा कॉस्ट ऑफ द अपार्टमेंट आप एक्सेप्ट एक बार में नहीं करोगे एज एन एडवांस पेमेंट और एन एप्लीकेशन फी फ्रॉम अ पर्सन, जब तक कि आपसे उससे प्रॉपर रिटर्न एग्रीमेंट ना कर लो. एडवांस ऑप्टेन करो, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है. एप्लीकेशन फॉर्म के साथ एक्सेप्ट किया, रिटर्न एग्रीमेंट करो, और रिटर्न एग्रीमेंट जब हो जाए उसके बाद बाकी पेमेंट मंगा सकते हो. इस नियम की भी धज्जियां उड़ाई गई है मार्केट में, जम के धज्जियां उड़ाई जाती है. वो जब पेमेंट 50% कैश में मांगते हैं ना ये लोग, वो कहते हैं एडवांस जमा कराओ, एडवांस, जम के धज्जियां उड़ाई जा रही है सब चीजों की. खैर, तभी रियल एस्टेट मार्केट चढ़ ही नहीं पा रही आगे, क्योंकि अभी भी ये उल्टे सीधे काम बिल्डरों के हो रहे हैं. फिर कहता है एग्रीमेंट फॉर सेल शैल बी इन सच फॉर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब एंड सेल स्पेसिफाई. एग्रीमेंट फॉर सेल का भी एक फॉर्मेट है. वो फॉर्मेट क्या है? वो कहता है जी एग्रीमेंट फॉर सेल में लिखा जाएगा पार्टिकुलर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग. बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने में कौन सा मटेरियल यूज हो रहा है, इंटरनली कौन से डॉक्यूमेंट शाफ्ट वगैरह कौन सी यूज हो रही है, कैसी किचन यूज हो रही है, सब कुछ. डेट एंड मैनर बाय विच द पेमेंट टुवर्ड द कॉस्ट ऑफ अपार्टमेंट शैल बी मेड. पूरा पेमेंट स्ट्रक्चर प्लान बताया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, कई कहते हैं ना 40-40-20, इसका मतलब 40-40-20 का मतलब क्या है? नॉर्मली 40-40-20 नहीं होता, ऐसा होता है 10-30-40-20. 10 मतलब पहले दे दो, फिर अगले 30 दिन में या 45 दिन में 30 दे देना, फिर 40 तब दे देना जब हमारा स्ट्रक्चर रेडी हो जाएगा कंप्लीशन सर्टिफिकेट पर, और फिर जब कन्वीनियंस डीड देंगे तो रिमेनिंग 10 दे देना. ये बुकिंग अमाउंट है, केवल एप्लीकेशन का अमाउंट है बस. कहता है द डेट ऑन विच द पोजेशन ऑफ द अपार्टमेंट इज टू बी हैंडेड ओवर. ये डेट बताओ, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो प्रमोटर पे करेगा. पहले जब ये रेरा एक्ट नहीं था, कोई भी बिल्डर इंटरेस्ट पे नहीं करता था. अदालत के पास जाते थे, वो दिलवाते थे कितना, 5 या 6% का, केवल DLF को छोड़कर. अगर DLF की मैं बढ़ाई नहीं कर रहा, मैं उनका एजेंट नहीं हूं, मेरा कोई वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं है, मगर DLF जो है वो ईमानदारी से फिर भी पे कर देता था. अब आज की डेट में जितना अलॉटी पे करेगा पीनल इंटरेस्ट, ये भी वही पे करते हैं बिल्डर भी. आगे लेस देन 10% विदाउट एग्रीमेंट टू सेल ले सकता है, वो तो ले ही सकता है ना. वो पेमेंट लेने के बाद, एडवांस लेने के बाद फिर एग्रीमेंट टू सेल होगा, और उसके बाद रिमेनिंग पेमेंट मंगा सकते हो आप. फिर सच अदर पार्टिकुलर एज मे बी प्रोवाइड. तो ये एग्रीमेंट टू सेल के फीचर्स हैं, कि एग्रीमेंट टू सेल का कंटेंट क्या क्या होना चाहिए. फिर कहता है अडेरेंस टू द सेंक्शन प्लान एंड प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन बाय द प्रमोटर. तो प्लान जो सेंक्शन प्लान है या फिर जो प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन है, उसका पालन प्रमोटर को करना होगा. बिल्कुल जी, करना होगा जो अप्रूव की गई है. वो कहता है प्रमोटर शेल नॉट, इंपॉर्टेंट है सेकंड पैरा ध्यान रखना, कोई भी एडिशन और ऑल्टरेशन सेंक्शन प्लान लेआउट प्लान एंड स्पेसिफिकेशन में नहीं करोगे, एंड फिक्स्चर फिटिंग एमिनिटीज वगैरह में भी नहीं करोगे विदाउट द प्रायर कंसेंट ऑफ डेट पर्सन जिसने बुकिंग कराई है. प्रोवाइडेड डेट, अगर कोई माइनर एडिशन और ऑल्टरेशन करना है, सवाल बन सकता है इस पे, एज मे बी रिक्वायर्ड बाय द अलॉटी. फॉर एग्जांपल, अभी मेरे फ्रेंड ने बुक किया, उसने कहा जी एक काम करो सर, मैं 2 फ्लैट एक साथ ले रहा हूं, बीच की दीवार तोड़ दो. तोड़वा दी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कर सकते हो.
और सच अदर माइनस चेंज और अल्टरेशन एज मे बी नेसेसरी ड्यू टू आर्किटेक्चरल और स्ट्रक्चरल चेंजेस. फॉर एग्जाम्पल, आर्किटेक्ट ने जो डिजाइन तैयार किया था उस डिजाइन में थोड़ा सा उसे प्रॉब्लम लग रहा है, तो वो थोड़ा सा चेंज करवाना चाहता है, करवा सकता है. रिकमेंडेड एंड वेरीफाइड बाय द ऑथराइज आर्किटेक्ट और इंजीनियर आफ्टर डिक्लेरेशन एंड इंटीमेशन टू द अलॉटी, तो कर सकते हो. माइनर एडिशन और ऑल्टरेशन के अंदर क्या आता है, क्योंकि अगर मेजर हुआ तो क्या होगा देखेंगे, मगर माइनर में क्या आएगा, कहता है माइनर में नहीं आएगा. स्ट्रक्चरल चेंज अगर हुआ इंक्लूडिंग एन एडिशन टू द एरिया और चेंज इन द हाइट और रिमूवल ऑफ द पार्ट ऑफ द बिल्डिंग, ये माइनर चेंज नहीं है, नहीं है. और एनी चेंज टू द स्ट्रक्चर सच एज कंस्ट्रक्शन और रिमूवल और कटिंग इन टू ऑफ एनी वॉल और पार्ट ऑफ द वॉल, पार्टीशन, कॉलम, बीम, चेंज टू द फिक्स्चर और इक्विपमेंट. दो फ्लैट के बीच की दीवार तो तोड़ते हुए मैंने देखा है, कहते कोई दिक्कत नहीं है, माइनर चेंज के अंदर ही लाया जाएगा. बट वैसे अगर आप कोई दीवार जो सेंक्शन प्लान में है, बीम वगैरह हिलाना चाहते हो, ये मेजर चेंज है भाई, ये मेजर चेंज है. मुझे जैसे प्लॉट दिखाया गया, मुझे जैसे दिखाया गया था कि आपका जो वो होगा शॉप होगी उसके अंदर बीम नहीं है. मेरे को जो शॉप दी जा रही थी उसके अंदर बीम था, आप जो दोबारा चेंज करके, मैंने लेने से मना कर दिया. मैं कहा नहीं, प्लान चेंज हुआ है. फिर अल्टीमेटली उन्होंने फिर मुझे चेंज करके दिए. तो कहता है माइनर चेंज तो ठीक है, अगर इसके अलावा कोई और चेंज करना चाहते हो तो पहले प्रीवियस रिटन कंसेंट ऑफ एटलीस्ट 2/3 ऑफ द अलॉटी आपको लेनी पड़ेगी, जिसमें प्रमोटर नहीं आना चाहिए. दूसरी बात, कई बार कंपनियां क्या करती हैं कि एक प्रोजेक्ट में नंबर ऑफ बुकिंग उठा लेती हैं, 10-10, 15-15 फ्लैट. कहते हैं अगर आपने ऐसा किया है, किसी कंपनी ने 10-10, 15-15 फ्लैट बुक किए हैं, तो आपको एक ही अलॉटी माना जाएगा, नंबर ऑफ अलॉटी नहीं माने जाएंगे, आप एक ही अलॉटी माने जाएंगे. तो इसलिए द अलॉटी इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ अपार्टमेंट और प्लॉट एज मे बी बुक्ड बाय हिम इन द नेम ऑफ हिज फैमिली और इन द केस ऑफ अदर पर्सन सच एज कंपनी, फर्म और एनी एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड बुक्ड इन इट्स नेम और बुक्ड इन द नेम ऑफ एसोसिएटेड एंटिटीज और रिलेटेड एंटिटी शैल बी कंसिडर्ड एज वन अलॉटी ओनली. फिर कहता है अगर कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, पर अगर आप ध्यान रखना, अगर कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट रहा है, फॉर एग्जांपल पानी का पाइप फटा हुआ है, फॉर एग्जांपल सारे फ्लैट्स में बड़ी जबरदस्त स्मेल आ रही है क्योंकि आपने प्रॉपर पाइपिंग नहीं लगाई, पाइपिंग खराब है, स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है, बीम वीक है एक, ठीक है ना. अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है तो उसके लिए प्रमोटर लायबल रहेगा. अगर आप क्या करते हैं, कहता है स्ट्रक्चरल डिफेक्ट, एनी अदर डिफेक्ट इन द वर्कमैनशिप, क्वालिटी और प्रोविजन ऑफ सर्विस, तो फिर कहता है इस डिफेक्ट को नोटिस में लाइए प्रमोटर के विद इन 5 ईयर बाय द अलॉटी फ्रॉम द डेट ऑफ हैंडिंग ऑफ द पोसेशन. और ये प्रमोटर की ड्यूटी रहेगी कि इस डिफेक्ट को दूर करे विद इन 30 डेज. टाइम पीरियड भी लगा दिया गया है, ठीक है जी. और अगर वो फेलियर होता है तो फिर एग्रीड अलॉटी शैल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव कंपनसेशन फ्रॉम द अथॉरिटी. अथॉरिटी के पास जा सकते हैं, एसोसिएशन ऑफ अलॉटी, वो क्या कह सकते हैं कि सर हमें कंपनसेशन दिलवाइए, कंपनसेशन दिलवाइए. और आगे बढ़ना शुरू करते हैं जी, और आगे बढ़ना शुरू करते हैं. ऑब्लिगेशन ऑफ द प्रमोटर इन केस ऑफ अ ट्रांसफर ऑफ द रियल एस्टेट प्रोजेक्ट टू द थर्ड पार्टी. फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट बन रहा है, बिल्डर ने सोच लिया कि अब मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, मैं इसे चला नहीं पाऊंगा. बीम मतलब वो जो पिलर नहीं होते, वो जो क्या कहते हैं उसे यार, वो जो लोहे का सरिया वो जो लगा होता है यार, वो जो मकान बनते हुए यार, उसे बीम ही तो कहते हैं मेरे ख्याल से, हर जगह बीम ही कहते हैं मेरे ख्याल से.
मुर्तजा जी, जब मकान बनता है ना, तो अब मेरी ड्राइंग खैर बहुत ज़बरदस्त सॉलिड है, मगर फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। ये इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बनता है यार, ये इस तरीके का खड़ा होता है जिसके अंदर सारी बिल्डिंग खड़ी होती है, लोहे का होता है। एसोसिएशन ऑफ अलौटिया अभी आने वाला है, तो इसे बीम कहते हैं, जो दीवारों के अंदर होता है। मैं कैसे दिखाऊं यार, यहां पर मतलब मेरी दीवारों के दोनों कोनों पे बीम लगे हुए हैं। चलो जी, ना समझ आए मुझे मैसेज दे देना, मैं अपने घर की फोटो खींच के दे दूंगा। आगे, ऑब्लिगेशन ऑफ द प्रमोटर इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ द रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। क्या प्रोजेक्ट उठा के ट्रांसफर कर सकते हो किसी थर्ड पर्सन को? नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। जब तक आप कम से कम प्रायर कंसेंट 2/3 ऑफ द अलॉटी से ना ले लो, कम से कम 2/3 ऑफ प्रमोट ऑफ अलॉटी से ना ले लो, और उसमें अगेन प्रमोटर को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, एंड साथ में विदाउट द प्रायर अप्रूवल ऑफ द अथॉरिटी, जब तक अथॉरिटी के अप्रूवल ना आ जाए। आगे फिर कहता है कि अगर ऐसा ट्रांसफर हुआ भी है, तो फिर भी इट शेल नॉट अफेक्ट द अलॉटमेंट और सेल ऑफ द अपार्टमेंट, जो कि ऑलरेडी हो चुके हैं उनको अफेक्ट नहीं करेगा। फिर एक्सप्लेनेशन में कहता है अगेन वही बात कि अगर आपके पास नंबर ऑफ फ्लैट हैं या प्लॉट हैं, तो भी आपका एक ही माना जाएगा। फिर कहता हूँ, द ट्रांसफर और असाइनमेंट बींग परमिटेड बाय द अलॉटी एंड द अथॉरिटी, तो इंटेंडिंग प्रमोटर जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी बाकी चीजों को निभाना जो पेंडिंग ऑब्लिगेशन है। अगर पेंडिंग ऑब्लिगेशन ना निभा पाया, तो ये जो नए वाला प्रमोटर है, ही शेल बी लाइबल। तो ध्यान रखना, द इंटेंडिंग प्रमोटर शेल बी रिक्वायर्ड टू इंडिपेंडेंटली कंप्लाई विद ऑल द पेंडिंग ऑब्लिगेशन, और अगर नहीं कर पाया तो फिर एक्सटेंशन ऑफ टाइम नहीं देंगे, केवल इस वजह से कि तुम नए प्रमोटर हो, इस वजह से एक्सटेंशन ऑफ टाइम नहीं देंगे। पहले आने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए था, ठीक है जी। अगर डिफॉल्ट हुआ, तो इंटेंडिंग प्रमोटर शेल बी लायबल टू द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ब्रीच, तो पेनल्टी आप ही के ऊपर लगने वाली है। फिर ऑब्लिगेशन ऑफ द प्रमोटर रिगार्डिंग इंश्योरेंस ऑफ द रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, हालांकि इसके बारे में मुझे अभी ज्यादा ज्ञान है नहीं, वो इसलिए क्योंकि मेरे को अभी तक किसी भी अपने का पोसेशन नहीं मिला इंश्योरेंस के बारे में, तभी मुझे कि इंश्योरेंस सही में करवा रहे हैं कि नहीं, तो इसके बारे में मुझे रियल में नॉलेज अभी है नहीं। जब मेरे पास कोई मैं रजिस्टर्ड टाइटल डीड प्राप्त करूंगा, तभी नॉलेज होगी मुझे। कहता है, प्रमोटर शेल ऑब्टेन ऑल द इंश्योरेंस एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू इंश्योरेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ, मतलब इससे ज्यादा का भी करा सकते हो, बट इन दोनों का तो कराना ही कराना है। क्या? टाइटल ऑफ द लैंड एंड बिल्डिंग, ताकि अगर कल को टाइटल के ऊपर किसानों ने मुआवजा मांगा, जैसे कि हरियाणा, के अंदर होता है हुडा अथॉरिटी का नाम सुना होगा, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। पंजाब के पास पंचकुला के अंदर उन्होंने प्लॉट काट काट के बेचे, उसके बाद किसानों ने मुआवजा मांगा, वो मुआवजा उन्होंने अलॉटी से रिकवर किया, लाओ जी अलॉटी दो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए अगर मान लीजिए कोई लैंड आपने किसान से एक्वायर किया, कल को किसान लेकर उस लैंड को चला गया कोर्ट में, तो कोर्ट में किसान को मुआवजा अलॉट हुआ, तो वो आप अलॉटी से नहीं मांगेंगे, वो इंश्योरेंस कंपनी आपको देगी। आप समझ आया? और आगे फिर कहता है, टाइटल ऑफ द रियल एस्टेट लैंड एंड बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। अगर मान लीजिए कंस्ट्रक्शन में भी, कंस्ट्रक्शन के अंदर भी कोई गड़बड़ निकली, तो इंश्योरेंस कंपनी ही बियर करेगी। उसके बाद प्रमोटर शेल बी लायबल टू पे द प्रीमियम। प्रीमियम कौन पे करेगा और बेनिफिट कौन लेगा? अलॉटी लेंगे। प्रीमियम पे कौन करेगा? प्रमोटर, ठीक है जी। फिर ट्रांसफर करके जाएगा किसको? एसोसिएशन ऑफ अलॉटी को। फिर इंश्योरेंस जो कि लिखा हुआ है, शेल बी ट्रांसफर टू द एसोसिएशन ऑफ द अलॉटी वगैरह को ट्रांसफर हो जाएगा। ऑल द डॉक्यूमेंट पर्टेनिंग टू इंश्योरेंस शेल बी हैंडेड ओवर टू द एसोसिएशन ऑफ अलॉटीज। और आगे बढ़े, ट्रांसफर ऑफ टाइटल सेक्शन 17, जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद इसका टाइटल अलॉटी को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। कहता है, प्रमोटर शेल एग्जीक्यूट अ रजिस्टर्ड कन्वीनियंस डीड इन फेवर ऑफ अलॉटी अलोंग विद द अनडिवाइडेड प्रोपोर्शनेट टाइटल। लिफ्ट वगैरह के एरिया की वगैरह की बात कर रहा है। एंड शेल हैंड ओवर द फिजिकल पोजेशन ऑफ द प्लॉट अपार्टमेंट एज द केस मे बी टू द अलॉटीज। फिजिकल पोजेशन ऑफ द प्लॉट किसको मिलेगा? अलॉटी को। और वो कॉमन एरिया, पार्क, स्विमिंग पूल, इसका किसे मिलेगा? एसोसिएशन ऑफ अलॉटी को और द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एज द केस में भी इन द रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, ठीक है जी। उसके बाद
अगर कोई एब्सेंस ऑफ लोकल लॉ है तो कन्वीनियंस डीड कब तक एग्जीक्यूट होनी चाहिए, शेल बी कैरिड आउट बाय द प्रमोटर विद इन 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ द ओसी, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जिस दिन एग्जीक्यूट हुआ, जिस दिन रिसीव हुआ उसके 3 महीने के अंदर अंदर आपको ये करना है, आपको ये टाइटल डीड ट्रांसफर करनी है। फिर कहता आफ्टर ऑप्टेनिंग द ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट एंड हैंडिंग ओवर द फिजिकल पोजेशन टू द अलॉटी, उसके बाद इट शेल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रमोटर टू हैंड ओवर द नेसेसरी डॉक्यूमेंट प्लान इंक्लूडिंग कॉमन एरिया टू द एसोसिएशन ऑफ अलॉटी। तो एसोसिएशन ऑफ अलॉटी को बिल्डिंग के सारे डॉक्यूमेंट जो भी इस बिल्डिंग के हैं वो सारे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जब किसान से पूरा लैंड खरीदना प्रमोटर ने तो वो टाइटल डीड वगैरह वो सब। फिर लिफ्ट का अप्रूवल, लिफ्ट के लिए अप्रूवल चाहिए होता ना वो, फिर स्विमिंग पूल के लिए अप्रूवल, वो सब कुछ एसोसिएशन ऑफ अलॉटी को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। कहता है प्रमोटर शैल हैंड ओवर द नेसेसरी डॉक्यूमेंट कितने दिन में, 30 डेज आफ्टर ऑब्टेनिंग द कंप्लीशन सर्टिफिकेट। ओ माई गॉड, कहता है ये डॉक्यूमेंट तो विद इन 30 डेज ऑफ द कंप्लीशन सर्टिफिकेट दे दोगे आप, विद इन 30 डेज ऑफ द कंप्लीशन ऑफ सर्टिफिकेट दे दोगे। कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद क्या आएगा, ओसी ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो ओसी 30 दिन के अंदर आ जाता है, बट अगर नहीं भी आया तो भी पहले डॉक्यूमेंट एसोसिएशन ऑफ अलॉटिंग को दे दो, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट बाद में लेते रहना। आगे बढ़ते हैं, रिटर्न ऑफ अमाउंट एंड कंपनसेशन। ओके, कहता है जी ऐसा अगर प्रमोटर तुम कंप्लीट नहीं कर पाए प्रोजेक्ट को या फिर टाइम पर प्रोजेक्ट की डिलीवरी नहीं दे पाए तो फिर इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट, या फिर आपने डिसकंटिन्यू कर दिया बीच के अंदर ही सब कुछ, या फिर आपका रिवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन वगैरह हो गया या सस्पेंशन हो गया है, फिर लाइबल ऑन डिमांड टू द अलॉटी, शेल बी लाइबल ऑन डिमांड टू द अलॉटी किस चीज के लिए, इन केस द अलॉटी विशेस टू विड्रॉ फ्रॉम द प्रोजेक्ट। अगर अलॉटी अब प्रोजेक्ट से विड्रॉ करना चाहता है तो प्रमोटर आपको उसका सारा का सारा अमाउंट विद इंटरेस्ट एज सच रेट एज मे बी प्रिस्क्राइब वापस करना पड़ेगा। मैंने कहा जी कोई फायदा नहीं, ये बिल्डर बड़े बदमाश है, 50% ब्लैक में लेते हैं, 50% व्हाइट में लेते हैं, 50% ब्लैक जब आप कहोगे वापस लेने की बात करोगे तो वो इतना बनेगा ही नहीं, आपका आपका मुश्किल से 70% ही रिटर्न होगा, तो आप वापस लेने का ऑप्शन ही एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे। वो एक ही बार सिंगल प्रीमियम का होता है विनय मिश्रा जी, सिंगल प्रीमियम वाला होता है। आगे बढ़ना शुरू करते हैं, फिर कहता है हाउएवर वेयर एन अलॉटी डज नॉट इंटेंड टू विड्रॉ फ्रॉम द प्रोजेक्ट, नहीं करना चाहता तो क्या करेगा, कहता है इंटरेस्ट फॉर एवरी मंथ्स ऑफ डिले टिल द हैंडिंग ओवर ऑफ द पोसेशन एट सच रेट एज मे बी प्रेस्क्राइब। दोनों का सेम है, अलॉटी ने डिले की पेमेंट में तो भी आज के डेट में मेरे ख्याल से 16 या 18% का रेट है, और अगर प्रमोटर ने डिले किया तो भी 18% है। और आगे बढ़ना शुरू करते हैं, कहता है जी प्रमोटर कंपनसेट करेगा अलॉटी को अगर कोई भी लॉस होता है अलॉटी को ड्यू टू द डिफेक्टिव टाइटल ऑफ द लैंड ऑन विच द प्रोजेक्ट इज बिंग डेवलप्ड, वो इंश्योरेंस कंपनी से लेगा है, एंड क्लेम फॉर कंपनसेशन शैल नॉट बी बार्ड बाय द लिमिटेशन प्रोवाइडेड अंडर एनी लॉ। लिमिटेशन एक्ट 3 साल वाला नहीं लगेगा इस कंपनसेशन के लिए, या 12 साल का नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल 12 साल बाद प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट अराइज हुआ, लिमिटेशन एक्ट लग जाता है 12 साल बाद प्रॉपर्टी के ऊपर, क्लेम नहीं कर सकते, मगर वो कहता है कि क्लेम आप कर पाओगे। तो ध्यान रखना यहां 12 साल वाला क्वेश्चन बनाने की कोशिश कर सकता है वो, कि 12 साल बाद इमूवेबल प्रॉपर्टी में लिमिटेशन पीरियड लग जाता है, टाइम बार्ड बन जाते हैं, आप केस नहीं कर सकते उस प्रॉपर्टी के ऊपर, मगर वो यहां पर नहीं लग रहा, ध्यान रखिएगा। आगे अगर प्रमोटर फेल टू डिस्चार्ज एनी अदर ऑब्लिगेशन इम्पोज ऑन हिम अंडर दिस एक्ट और द रूल एंड रेगुलेशन मेड देयर अंडर, मतलब कुछ भी नहीं किया तो शेल बी लाइबल टू पे कंपनसेशन टू द अलॉटी, जो कि इस एक्ट में लिखा होगा, जनरल बात है। अब हम अलॉटी की राइट्स एंड ड्यूटीज के ऊपर आते हैं। अलॉटी भाई तुझे राइट्स तो दिए हैं मगर तेरी ड्यूटीज भी हैं, कि तू पेमेंट करेगा, तू इंटरेस्ट की पेमेंट करेगा, तू एसोसिएशन ऑफ अलॉटी में पार्टिसिपेट करेगा, ये तेरी ड्यूटीज भी हैं और तेरे राइट्स भी हैं कि तुझे एकदम एज पर द स्पेसिफिकेशन जो लेआउट प्लान है वैसे का वैसे मिलेगा, समझ आए।
चले देखना शुरू करते हैं। कहता है एंटाइटल्ड टू ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द सेंक्शन प्लान लेआउट प्लान अलोंग विद द स्पेसिफिकेशन। अलॉटी शैल बी एंटाइटल्ड टू नो द स्टेज वाइज टाइम शेड्यूल ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट। मंथली बेसिस पे सारे बिल्डर मेल भेजते हैं जिसमें फोटो अटैच होती है कि हमारे प्रोजेक्ट का स्टेटस आज की डेट में ये है। फिर उसके बाद राइट्स की बात हो रही है। अलॉटी शैल बी एंटाइटल्ड टू क्लेम द पोसेशन ऑफ द अपार्टमेंट प्लॉट और बिल्डिंग एज अ केस में भी। एंड द एसोसिएशन ऑफ अलॉटी शैल बी एंटाइटल्ड टू क्लेम द पोसेशन ऑफ द कॉमन एरिया। यानी कि एंटाइटल्ड टू क्लेम द पोसेशन ऑफ द अपार्टमेंट है। फॉर एग्जाम्पल अब मैं बताता हूँ, जैसे ही आप दिल्ली से यूपी बॉर्डर की ओर एंटर करते हो ना, एक प्रोजेक्ट बना हुआ है यहाँ पर दिल्ली से यूपी बॉर्डर में। जैसे ही घुसते हो NH 24 नेशनल हाईवे 24 पे, वो क्या हुआ कि बिल्डर ने प्रोजेक्ट बनाया, बना के लगभग ऑलमोस्ट कंप्लीट था, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह नहीं दी थी अभी उसने, तारे नहीं लगाई थी और छोड़ दिया प्रोजेक्ट, पैसे नहीं थे, अंदर की सड़कें भी नहीं बनी थी, मिट्टी पड़ी हुई थी, फिनिशिंग रह गई थी। अब एक मकान मालिक थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जी ऐसा है मेरे को तो बैंक का पैसा भी चढ़ रहा है और मेरे को रेंट भी जा रहा है, प्रोजेक्ट ऑलरेडी 3 साल डिले था। उन्होंने सारा सामान उठाया, मेन गेट एंट्री गेट भी नहीं था अभी तक, ट्रक से लेके पहुँचे और सारा सामान रखा, मकान में रहने लगे। लाइट इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, जनरेटर से चलता था, अपनी सिक्योरिटी दाव पे लगाकर, मगर उन्होंने न्यूज़पेपर में ये रिपोर्ट दी, हर तरफ रिपोर्ट थी कि अकेला इंसान 100-150 फ्लैट की एक सोसाइटी के अंदर अकेला रह रहा है। अब उनको देखते देखते अब और भी लोग आना शुरू हो गए हैं, तो आज के डेट में 10-15 लोग रहने लग गए हैं। फिलहाल बिल्डर ने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर दी है, वहाँ का अरेंजमेंट कर दिया और सड़क भी बना दी है और गेटेड सोसाइटी भी कर दी है अभी। चलिए समझ आई बात। तो ये कार्यक्रम रंगारंग कार्यक्रम अभी भी डीलर चला रहे हैं पूरे इंडिया में जबरदस्त तरीके से। फिर कहता है अलॉटी शैल बी एंटाइटल्ड टू क्लेम द अमाउंट ऑफ रिफंड अलोंग विद इंटरेस्ट एट सच रेट एज मे बी प्रिस्क्राइब। कौन कौन से केस में रिफंड होगा जी, अभी तो हमने बात की क्या, अगर प्रमोटर कंपनसेशन टाइम पे नहीं देता इन एक्योर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट ऑफ सेल और ड्यू टू डिसकंटिन्यूएशन ऑफ हिज बिजनेस। कहीं पढ़ा था ना, हाँ कहां पर, डेट इज सेक्शन 18 के अंदर, अभी तो पढ़ा था आगे। फिर उसके बाद द अलॉटी शैल बी एंटाइटल्ड टू हैव द नेसेसरी डॉक्यूमेंट प्लान्स एंड इंक्लूडिंग दैट ऑफ द कॉमन एरिया आफ्टर हैंडिंग ओवर द फिजिकल पोजीशन ऑफ द अपार्टमेंट और प्लॉट एज द केस मे बी बाय द प्रमोटर। नेसेसरी डॉक्यूमेंट पाने का अधिकार है, अभी तो पढ़ा था इसके बारे में भी, कहां पर, दैट इज सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 के अंदर। फिर उसके बाद Every allottee was entered into an agreement for sale to take an apartment plot or building as a case may be under section 13 shall be responsible to make the necessary payment. अब ये responsibilities आ गई, duties आ गई यहाँ से, in the manner within the time as specified in said agreement. अच्छा वो कहता है building as may be under section 13, who entered into an agreement for sale under section 13. ये कौन सा था, वो जो 10% एडवांस वाला था, 10% एडवांस वाला, ठीक है जी। फिर कहता है जो एग्रीमेंट फॉर सेल में जो पेमेंट प्लान लिखा हुआ है ना, उसके अनुसार आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। अलॉटी शैल बी लाइबल टू पे इंटरेस्ट फॉर एनी डिले, ये भी आपकी ड्यूटी है। आगे कहता है इंटरेस्ट के प्रति आपकी अलॉटी की ड्यूटी रिड्यूस हो सकती है अगर म्यूचुअली एग्रीड हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने भी अपनी वेव करवाई थी, उन्होंने मुझे 15 दिन के अंदर कहा था बाकी पेमेंट दे दो 40%, वो काफ़ी ज़्यादा थी, तो मैंने उन्हें कहा था कि मैं नहीं दे पाऊँगा, मुझे 1 महीने का वक्त चाहिए, उस टाइम नहीं थे मेरे अकाउंट में पैसे। तो फिर उन्होंने कहा था कि ठीक है इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्ट 18% पे लग रहा था, मैंने वेवर की मेल भेजी, उन्होंने वेव कर दिया था। प्रमोटर का क्या वेव होगा वो अथॉरिटी देखेगी, बट अलॉटी का वेव होगा वो प्रमोटर वेव कर सकता है,
आगे ध्यान रखना, म्यूचुअली एग्रीड हो जाए तो वेव हो सकता है. नेक्स्ट पॉइंट, एवरी अलॉटी ऑफ द अपार्टमेंट प्लॉट और बिल्डिंग शेल पार्टिसिपेट टुवर्ड्स फॉर्मेशन ऑफ द एसोसिएशन ऑफ अलॉटी. फिजिकल पोसेशन अलॉटी आपको लेना पड़ेगा कितने दिन में, विद इन अ पीरियड ऑफ 2 मंथ्स ऑफ द ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट इशूड. तो जिस दिन आपको ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट की सूचना मिलती है उसके 2 महीने के अंदर आप फिजिकल पोसेशन ले लेंगे उसका. ठीक है, अच्छा ना ले तो कोई बात नहीं, मेंटेनेंस चार्जेस पे करते रहना, मेंटेनेंस चार्जेस पे करते रहना. और कुछ बिल्डर क्या करते हैं, से फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ डीएलएफ चंडीगढ़. अब डीएलएफ चंडीगढ़ में क्या है कि वो कहते हैं कि आपको हम ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट देने के बाद पोसेशन देंगे. अगर आपने पोसेशन लिया माना जाएगा जब आप उसके ऊपर कोई स्ट्रक्चर खड़ा करोगे, थोड़ा सा चाहे एक मकान खड़ा कर लो, मगर वो करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं ये पोसेशन सही नहीं माना जाएगा. ठीक है ना, तो वहां फिजिकल पोसेशन का मतलब है कि अगर आपने नहीं किया तो फिर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा अगर आपने वो एक रूम का मकान नहीं बनाया, ताकि इसलिए ताकि जल्दी से जल्दी लोग आके बसना शुरू हो जाए. तो इसके लिए बिल्डर ऐसा कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं. फिर एवरी अलॉटी शैल पार्टिसिपेट टुवर्ड द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कन्वीनियंस डीड. पता लगा आपको नोटिस दे रहा है बिल्डर, आप वहां पर टाइटल को रजिस्टर्ड करवाने के लिए जा ही नहीं रहे, तो ये भी दिक्कत है. देखो जी, ये तो थे टेक्निकल सेक्शन. अब टेक्निकल सेक्शन हो गए खत्म, अब उसके बाद जो रह गए हैं सेक्शन वो है पपलू एंड टपलू सेक्शन. पढ़ना शुरू करते हैं. एस्टेब्लिशमेंट एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ द रेरा अथॉरिटी. कितने टाइम में एस्टेब्लिश की जाएगी रेरा अथॉरिटी? विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट. एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करेगी अथॉरिटी को, जिसे रेरा अथॉरिटी कहा जाता है. अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ऑफ टू और मोर स्टेट एक ही सिंगल अथॉरिटी रख सकती है, अगर छोटी छोटी स्टेट है लाइक नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स. ठीक हो गई इतनी बात, आगे बढ़े. अगर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को लगता है कि एक स्टेट में बहुत ज्यादा लोड हो जाएगा एक अथॉरिटी के ऊपर, तो एक से ज्यादा अथॉरिटी को भी एस्टेब्लिश किया जा सकता है. हाँ, ये जो रेरा अथॉरिटी है इसे बॉडी कॉर्पोरेट का स्ट्रक्चर दिया जाएगा, यानी कि इसका एक परपेचुअल सक्सेशन होगा, कॉमन सील होगी, और ये अपने नाम पर लैंड वगैरह खरीद सकती है, इसके नाम पर केस होगा और ये भी अपने नाम पर ही केस करेगी औरों को. कंपोजिशन ऑफ अथॉरिटी. अथॉरिटी के अंदर कौन आता है? एक तो आते हैं चेयरपर्सन साहब, और कम से कम 2 होल टाइम मेंबर आएंगे टू बी अपॉइंटेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट. चेयरपर्सन या होल टाइम मेंबर, सॉरी चेयरपर्सन प्लस 2 होल टाइम मेंबर कम से कम. क्वालिफिकेशन ऑफ द चेयरपर्सन एंड मेंबर ऑफ द अथॉरिटी. कहता है इन सबका अपॉइंटमेंट कैसे किया जाएगा? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिलेक्शन कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ, जहां पे चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट और इज नॉमिनी आएंगे, और सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट डीलिंग विद द हाउसिंग एंड लॉ सेक्रेटरी. यहां से सेक्रेटरी साहब आएंगे, ये सिलेक्शन कमेटी बनाएंगे. फिर जो सिलेक्शन कमेटी बनी है वो चेयरपर्सन के केस में तो ऐसे व्यक्ति को उठाएंगे जिसको कम से कम 25 साल का एक्सपीरियंस हो, और मेंबर के केस में ऐसे व्यक्ति को उठाया जाएगा जिसे कम से कम 15 साल का एक्सपीरियंस हो. कहां? इन फील्ड्स के अंदर. जो दिमाग में आता है सारी फील्ड्स जोड़ लो, इन फील्ड्स के अंदर अगर आपका एक्सपीरियंस है. भाई साहब, सबसे ज्यादा तेल निकलता है रिवीजन क्लास में, मैंने देख लिया. आगे फिर कहता है कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि है या काम कर चुका है इन द सर्विस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, वो चेयरपर्सन तब तक नहीं बनेगा जब तक वो कौन सी पोस्ट ना होल्ड करता हो. एडिशनल सेक्रेटरी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, एडिशनल सेक्रेटरी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि ये रेरा अथॉरिटी कौन होती है? स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है. ठीक है ना, आगे और आगे बढ़े. अ पर्सन हु इज और हैज बीन इन द सर्विस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट शैल नॉट बी अपॉइंटेड एज अ मेंबर अनलेस सच पर्सन हैज हेल्ड द पोस्ट ऑफ द सेक्रेटरी टू द स्टेट गवर्नमेंट.
और आगे बढ़ी। चलो, टर्म्स ऑफ द ऑफिस ऑफ द चेयरपर्सन एंड मेंबर। जी ऐसा जी, टर्म्स ऑफ ऑफिस क्या है? 5 साल और 65 ईयर्स, जो भी पहले आ जाए। 5 साल और 65 ईयर्स, दोनों में से जो भी पहले आ जाए। ये आपके टर्म्स ऑफ ऑफिस हैं सेक्शन 23 के अंदर। फिर उसके बाद आगे कहता है सैलरी एंड अनाउंसेस पेबल टू द चेयरपर्सन एंड मेंबर। ये खैर खास है नहीं ये सेक्शन। कहता है सैलरी एंड अलाउंसेस जो भी पे किए जाएंगे वो उसके लिए अथॉरिटी के अंदर रूल्स होंगे, उन रूल्स के द्वारा जो भी प्रेस्क्राइब हैं उन रूल्स के अंदर पे किया जाएगा। चेयरपर्सन और द मेंबर एज अ केस में भी रेलिंक्विश इज ऑफिस बाय गिविंग इन राइटिंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिस। कितने महीने का? हर जगह एक ही है लगभग, ये 3 महीने का नोटिस। और रिमूव्ड किया जा सकता है उसके ऑफिस से एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 26 के अंदर कुछ ग्राउंड है उनके बेसिस पर। बट कोई भी अगर वैकेंसी कॉज हुई है टू द ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन और अदर मेंबर तो वो कितने टाइम में फिल की जाएगी? विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑन विच सच वैकेंसी अकर। 3 महीने के अंदर अंदर, 3 महीने के अंदर अंदर इस वैकेंसी को आपको फिल करना पड़ेगा। कितने महीने में? 3 महीने के अंदर। सिलेक्शन कमेटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा यहाँ पर। फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ऑफ चेयरपर्सन, मतलब सैलरियां पे हो रही हैं कि नहीं, ये सब कुछ देखने की जिम्मेदारी किसकी है? चेयरपर्सन की। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल, हेडिंग पढ़ लेना बस, रिमूवल ऑफ द चेयरपर्सन, ये देख लेना एक बार, रिमूवल ऑफ चेयरपर्सन। तो क्या चेयरपर्सन को रिमूव किया जा सकता है? चेयरपर्सन को रिमूव किया जा सकता है, देखो जी, फिजिकल माफी, फिजिकल माफी। फिजिकल माफी का मतलब क्या होता है? फिजिकल माफी का मतलब क्या है? देखिएगा, पहला, अगर वो फिजिकली और मेंटली इनकेपेबल है तो किया जा सकता है। एम, मोरल टैपिट्यूड, समाज का उसने बुरा किया है तो किया जा सकता है। ए, अगर उसने अपनी पोजीशन को अब्यूज्ड किया है तो किया जा सकता है। फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट अगर उसने जनरेट किया, रिश्वत खाई है तो किया जा सकता है। इंसॉल्वेंट अगर हो गया है तो किया जा सकता है। परंतु डी और ई, ये दोनों ना मुद्दे जरा बहस के हैं कि उसने रिश्वत खाई है या उसने जानबूझ के गलत डिसीजन दिया है, ये दोनों मुद्दे थोड़ा डिस्प्यूट के हैं। इसलिए यहां पर रिमूवल करने से पहले, इंसॉल्वेंट है तो वो तो कोर्ट में पता लग जाएगा, मोरल टैपिट्यूड अगर उसने समाज का बुरा किया तो वो पुलिस निकाल देगी, और दूसरा क्या नाम है, फिजिकली और मेंटली इनकेपेबल है तो वो भी डॉक्टर की रिपोर्ट से पता लग जाएगा। फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट या फिर अब्यूज इस पोजिशन का अगर केस आता है तो फिर तब तक नहीं माना जाएगा जब तक कि इंक्वायरी ना कर दी जाए किसी जज ऑफ हाई कोर्ट के द्वारा, जिसमें सच पर्सन और मेंबर हैज बीन इन्फॉर्म्ड ऑफ द चार्जेस अगेंस्ट हिम, और उसे सुनवाई का पूरा मौका ना दिया जाए तब तक उन्हें रिमूव नहीं किया जा सकता। रेस्ट्रिक्शन ऑन द चेयरपर्सन और मेंबर ऑन द एम्प्लॉयमेंट आफ्टर सेसेशन ऑफ द ऑफिस। क्या मैं 5 मिनट का ब्रेक ले सकता हूं? बस केवल 5 मिनट, तोते उड़ गए हैं, केवल 5 मिनट, 5 मिनट में शुरू करता हूं बस।
चलो जी, और आगे बढ़ना शुरू करते हैं आगे। अच्छा हाँ, एक बच्चे का मैसेज आया हुआ है, कह रहा है सेक्शन 22 के अंदर क्या है वो, ये जो है 25 साल है 20 साल है यार, ये 25 नहीं है, 20 है, सॉरी ये 20 इयर्स है, प्लीज प्लीज प्लीज, ये 20 इयर्स है सेक्शन 22 के अंदर जो लिखा ना चेयरपर्सन के लिए कितनी एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है, प्लीज मेक श्योर 20 इयर्स का। आगे बढ़ना शुरू करते हैं, आगे बढ़ना शुरू करते हैं, फिर क्या कहता है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर की बात हो गई, सेक्शन 27 पे आ गए थे, रेस्ट्रिक्शन ऑन द चेयरपर्सन अदर मेंबर एम्प्लॉयमेंट आफ्टर द सेसेशन ऑफ ऑफिस, ये सेक्शन कई बार आ चुका है हर जगह, कहता है जी अगर चेयरपर्सन और मेंबर साहब अगर आप ये छोड़ के जाओगे तो उसके बाद किसी भी और ऐसी संस्था से आप इंगेज नहीं होगे जो कि आपके वर्क से, जो कि आपने काम किया रेरा के अंदर उससे एसोसिएटेड है, जिसका केस कभी आपके पास आया था। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट वगैरह से के एम्प्लॉय वगैरह अगर बनना चाहते हो, किसी और स्टेचुटरी अथॉरिटी में अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लोकल अथॉरिटी में ज्वाइन करना चाहते हो हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसी भी कोई भी संस्था जो आपसे एसोसिएटेड रही है जब आप रेरा के अंदर थे, तो आप ऐसी किसी भी संस्था को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं किसी भी तरीके से। एंड और एक और बात है आपके ऊपर, वो ध्यान रखना, गिव एडवाइस टू एनी पर्सन, एडवाइस नहीं दे सकते जो उस वाइटल इंफॉर्मेशन की जो आपने प्राप्त की थी चेयरपर्सन और मेंबर होते हुए, तो वहां पर एडवाइस वगैरह नहीं दे सकते, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस वगैरह में नहीं जा सकते हैं किसी भी एंटिटी के साथ जिसका डायरेक्ट और सिग्निफिकेंट ऑफिशियल डीलिंग रही है आपके टेन्योर के अंदर। तो ये रेस्ट्रिक्शन है चेयरपर्सन और अदर मेंबर के बाद जब वो छोड़ के चले जाएंगे अपने ऑफिस को तो भी उन्हें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। आगे, ऑफिसर एंड अदर एम्प्लॉय ऑफ द अथॉरिटी, तो ये खास रेलेवेंट नहीं है, और स्टाफ वगैरह अथॉरिटी अपना स्टाफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ वगैरह रख सकती है, हाँ बिल्कुल रख सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो यानी कि इंप्लॉयज वगैरह जो भी उसे सही लगे वो रख सकती है अथॉरिटी अपने हिसाब से, और इनको सैलरी वगैरह कैसे पे की जाएगी उसका सारा प्रिस्क्रिप्शन अथॉरिटी के रूल्स वगैरह में होगा, रेलेवेंट नहीं है पेपर के लिए। फिर मीटिंग ऑफ द अथॉरिटी, वैसे देखने में तो इंपॉर्टेंट लग रहा है मगर सब कुछ रूल्स में लिखा हुआ है तो यहां पर ज्यादा रेलेवेंट वो नहीं है कि मीटिंग किस टाइम पे होगी, अथॉरिटी के रूल्स के अंदर प्रिस्क्राइब किया जाएगा किस टाइम पे होगी। और अगर, हाँ ये पैरा इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, अगर चेयरपर्सन साहब किसी वजह से मीटिंग अटेंड नहीं कर पाए तो एनी अदर मेंबर, सवाल उठा सर दो ही तो मेंबर है ना, दो नहीं है, वो कहते हैं मिनिमम दो मेंबर, तो दो से ज्यादा भी तो हो सकते हैं ना, तो फिर उसके बाद अगर चेयरपर्सन मीटिंग अटेंड नहीं कर पाया तो मेंबर अपने में से किसी को चूज करेंगे, ध्यान रखना एमसीक्यू में आ सकता है, वो कह सकता है कि सीनियर मोस्ट मेंबर, नहीं, मेंबर अपने में से चूज करेंगे किसी एक व्यक्ति को जो कि प्रिजाइड करेगा मीटिंग में, ठीक है जी। जितने भी मैटर है वो डिसाइडेड बाय द वोट्स ऑफ मेंबर्स, मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स के द्वारा होगा, अगर इक्वालिटी ऑफ वोट रहती है तो चेयरपर्सन या फिर उसकी एब्सेंस में पर्सन प्रिजाइडिंग शैल हैव अ सेकंड वोट, यानी कि चेयरपर्सन का भी एक वोट रहेगा और वो सेकंड वोट भी एक्सरसाइज कर सकता है, ध्यान रखना। फिर कहता है जितना हो सके वो मैटर अथॉरिटी के पास जितना जल्दी हो सके डील करने चाहिए, मगर फिर भी कोशिश की जानी चाहिए टू डिस्पोज ऑफ द मैटर विद इन 60 डेज, परंतु अगर आप 60 डेज के अंदर नहीं डिस्पोज ऑफ कर पा रहे हो तो आपको रिकॉर्ड पढ़ना पड़ेगा रीजन फॉर नॉट डिस्पोजिंग ऑफ द एप्लीकेशन विद इन 60 डेज, रीजन जरूर मेंशन करना पड़ेगा कि क्यों नहीं कर पाए हो 60 दिन के अंदर। वैकेंसीज एग्जेक्टेड नॉट टू इनवैलिडेट द प्रोसीडिंग ऑफ अथॉरिटी, हर एक्ट के अंदर आपको मिलेगा ये, चाहे डिफेक्ट इन द अपॉइंटमेंट हो या फिर एनी वैकेंसी हो और या फिर कोई इरेगुलरिटी हो इन द प्रोसीजर ऑफ अथॉरिटी, मतलब मीटिंग जो है वो प्रॉपर नोटिस नहीं सर्व हो पाया, इन सब के बावजूद जो भी ऑर्डर पास किए हैं अथॉरिटी ने वो सब के सब ऑर्डर वैलिड रहेंगे, उनकी वैलिडिटी पे आप कोई क्वेश्चन या सवाल नहीं लगा सकते। फाइलिंग ऑफ द कंप्लेंट विद द अथॉरिटी और एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर क्या होता है अभी हम देखेंगे, डिस्ट्रिक्ट जज के लेवल का व्यक्ति आएगा अभी आगे चलकर आएगा सबसे लास्ट में। कोई भी पर्सन जो कि एग्रीव्ड हुआ है
फाइल कर सकते हैं अपील, किसको, अथॉरिटी को या एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को। अब कैसे पता लगेगा सर कि हमें किसके पास फाइल करनी है, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर या अथॉरिटी के पास? अभी पता लग जाएगा, क्योंकि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का जो एरिया है वो उसके एरिया में, और बाकी सब में अथॉरिटी के पास जाओगे आप, ठीक है ना। तो अभी पता लग जाएगा, क्लैरिटी ऑफ थॉट से एकदम मिल जाएगी। फिर कहता है फॉर एनी वायलेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और रूल एंड रेगुलेशन मेड देयर अंडर, ठीक है जी। फॉर्म्स मैनर वगैरह क्या होंगे, हर रेरा अथॉरिटी के अलग है, तो आपको उस रेरा अथॉरिटी की वेबसाइट पे जाके देखना पड़ेगा जो आपके सिलेबस में नहीं है। फिर कहता है जी फंक्शंस ऑफ द अथॉरिटी फॉर द प्रमोशन ऑफ द रियल एस्टेट सेक्टर। ध्यान रखना आप यहाँ पे, आप कंफ्यूजन होने की पूरी संभावना है। कंफ्यूजन ऑफ द सॉरी फंक्शंस ऑफ द अथॉरिटी फॉर द प्रमोशन ऑफ रियल स्टेट सेक्टर, किसी पार्टिकुलर स्टेट के अंदर रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए अथॉरिटी क्या क्या एक्शन ले सकती है। ऐसे ही सेक्शन नंबर 32 से मिलता जुलता पैराग्राफ आपको मिल सकता है फंक्शंस ऑफ द अथॉरिटी। दोनों में फर्क है, 32 कहता है फंक्शंस ऑफ द अथॉरिटी रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए उसके क्या फंक्शंस हैं, और 34 कहता है वैसे क्या फंक्शन है, वैसे कौन से फंक्शन आते हैं। फॉर एग्जांपल सेक्शन 3 के अंदर रियल एस्टेट का रजिस्ट्रेशन होता है प्रोजेक्ट का, तो ये प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन करना किसका काम है, अथॉरिटी। एग्रीड पार्टी एप्लीकेशन फाइल करेगी, वो एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ करना किसका काम है, अथॉरिटी का। रियल स्टेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए क्या करना होगा, उसके लिए जो भी पॉलिसी बनानी पड़ेगी, पॉलिसी वगैरह बनाने का काम वगैरह वो इसको करना पड़ेगा, वो सेक्शन 32 में आएगा। 34 में ग्राउंड लेवल रियलिटी है, 32 में पॉलिसी लेवल फंक्शंस दिए गए हैं। क्लियर हो गया। चले टेम्परेरी वैकेंसी के केस में क्या होगा, फिल करना पड़ेगा, अभी तो आया था। और आगे बढ़ना शुरू करते हैं फिर, एडवोकेसी एंड अवेयरनेस मेजर्स क्या कर सकती हैं। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जब भी, जैसे कंपटीशन एक्ट में हुआ था, कोई पॉलिसी बनाना चाहती है रियल एस्टेट सेक्टर पे, तो अथॉरिटी से रेफरेंस मंगा सकती है कि बताइए आपका ओपिनियन क्या है। अथॉरिटी 60 दिन के अंदर अंदर आपको अपना ओपिनियन देना पड़ेगा। आपके ओपिनियन से सेंट्रल, ये जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है ये बाउंड नहीं होगी, ध्यान रखना ये बाउंड नहीं होगी। जैसे कंपटीशन एक्ट में हमने किया था कंपटीशन एडवोकेसी, तो बिल्कुल वैसा ही यहां पर भी है कि एडवोकेसी एंड अवेयरनेस मेजर्स। फिर आगे करते हैं, कहते हैं जी अथॉरिटी की पावर्स क्या है इन्वेस्टिगेशन करने की, सेक्शन 35। तो दोनों फंक्शन सेक्शन 32 और 34 के अंदर डिफरेंस ध्यान रखना, हेडिंग ध्यान रखना, अपने आप वहां पे आ जाओगे क्योंकि अल्टीमेटली तो तुमने बुक कैरी करनी है वहां पर। पावर ऑफ द अथॉरिटी टू कॉल फॉर द इन्फॉर्मेशन एंड कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन करने की पावर है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। और वो जो इन्वेस्टिगेशन के लिए जो सारी पावर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में दी गई होती हैं, वो सारी इसके पास हैं। कौन कौन सी, किसी व्यक्ति को बुलाना और उसका एग्जामिनेशन करना ऑन ओथ पे, डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, एनी अदर मैटर विच में बी प्रिस्क्राइब और इशूइंग द कमीशन, कमीशन का मतलब है फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर इशू करना। एक और ऑर्डर इसके पास है, एक और पावर इसके पास है अथॉरिटी के पास, वो क्या कि जब तक फाइनल हेयरिंग नहीं हो जाती तब तक इंटरिम ऑर्डर कोई भी पास कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको इतना अमाउंट रिफंड करना पड़ेगा, सर्टेन अमाउंट रिफंड करना पड़ेगा, इस प्रकार कोई भी प्रमोटर के खिलाफ, अलॉटी के खिलाफ, रियल एस्टेट एजेंट के खिलाफ कोई भी ऑर्डर, इंटरिम ऑर्डर जब तक फाइनल हेयरिंग ना हो जाए ये पास कर सकती है। इंटरिम ऑर्डर इशू करने की पावर सेक्शन 36 के अंदर है, सेक्शन 36 के अंदर ध्यान रखना। यस नैना बेटा, आगे बढ़ते हैं। पावर ऑफ अथॉरिटी टू इशू डायरेक्शन, अगेन किसी को भी डायरेक्शन इशू कर सकती है अथॉरिटी। यस, कितने लोग हैं यहां पर ले देकर जिनको डायरेक्शन इशू करेगी, आप किसी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को तो करेगी नहीं, तो फिर ले देकर कितने लोग बचे, एक बचा प्रमोटर, एक बचा एजेंट और एक बचा अलॉटी। तो तीनों लोगों को कोई भी डायरेक्शन अगर इशू करना चाहती है अथॉरिटी, तो वो करने की पावर कहां पर है, सेक्शन 37 के पास अथॉरिटी के अंदर है, सेक्शन 37 में के अंदर अथॉरिटी के पास है। फिर कहता है सेक्शन 38 क्या कहता है, पावर ऑफ द अथॉरिटी कहता है अगर मान लीजिए इस एक्ट का पालन नहीं हो रहा, अच्छा कौन नहीं करेगा, प्रमोटर नहीं करेगा या तो, या फिर अलॉटी नहीं करेगा या फिर
रियल एस्टेट एजेंट नहीं करेगा। अच्छा, तो फिर क्या हो सकता है? वो कहता है अथॉरिटी के पास पावर है कि पेनल्टी इंपोज कर सकती हो, अथॉरिटी जो है पेनल्टी इंपोज कर सकती है। कोई दिक्कत? बढ़ सकते हैं आगे? चले, अच्छा मतलब ये सेक्शन जो था ना 38, ये पावर दे रहा था अथॉरिटी को डायरेक्शन इशू करने के पास। इतना ध्यान रखना कि अथॉरिटी के पास डायरेक्शन है। चलो जी, अब आते हैं सेक्शन 39 पर। ये इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 39 क्या कहता है? कहता है 2 साल के अंदर अंदर अथॉरिटी ने कोई ऑर्डर पास किया, उसके अंदर उसे कोई मिस्टेक नजर आ रही है 2 साल के अंदर, तो रेक्टिफिकेशन पास की जा सकती है। बट अगर अथॉरिटी के ऑर्डर के खिलाफ अपील आगे फॉरवर्ड की गई है, अपील फाइल हो चुकी है, तो अथॉरिटी तुम अपने ऑर्डर को रेक्टिफाई नहीं करोगे। दूसरी बात, छोटी मोटी मिस्टेक तो रेक्टिफाई हो सकती है, बट सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द ऑर्डर रेक्टिफाई नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, पहला ऑर्डर था प्रमोटर एजेंट अलॉटी को पे करेगा, अब ऑर्डर है अलॉटी प्रमोटर को पे करेगा, ऐसा नहीं हो सकता। दोबारा से सुनवाई होगी मैटर की, या अपील में जाएगा ये मैटर। समझ आई बात? सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ द ऑर्डर कभी भी रेक्टिफाई नहीं हो सकता। आगे, रिकवरी ऑफ इंटरेस्ट और पेनल्टी और कंपनसेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ ऑर्डर्स। रिकवरी की बात कर रहा है। कहता है 3 लोगों से रिकवरी पॉसिबल है, प्रमोटर, अलॉटी, रियल एस्टेट एजेंट। अगर वो इंटरेस्ट वगैरह पे नहीं कर पाए जो कि अथॉरिटी ने कहा है, तो उनसे रिकवरी हो गई। यस, रिकवरेबल होंगे। कैसे? जैसे ये टैक्स का अमाउंट हो, जैसे ये इनकम टैक्स का अमाउंट हो। समझ आ गई बात? आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल। अब ये क्या है जी, सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल? ये एक और काउंसिल है जो कि रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। देखो, अथॉरिटी फिर क्या करती है, फंक्शंस ऑफ द अथॉरिटी टू प्रमोट द रियल एस्टेट विद इन द स्टेट, वो स्टेट का काम करती है। बट जो सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइज करने का काम करती है रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए, कि पूरे देश में रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। तो उसका काम कौन करेगा? ये सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस देने का काम कहेगी। ध्यान रखना, इट शेल कंसिस्ट ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ, ये सब रिप्रेजेंटेटिव उसके आएंगे। अगेन, पढ़वाने की जरूरत नहीं है, बस ये ध्यान रख लेना सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल आया तो कहां पे, कौन से सेक्शन पे जाके कूदना है। चलिए, उसके बाद फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल। लो जी, इन फंक्शंस को ध्यान रखना, सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल, बस ध्यान रखना सेक्शन 41 42 के ऊपर अटैक करना है। फिर उसके बाद अथॉरिटी के ऑर्डर के खिलाफ किसके पास जाओगे? रियल एस्टेट एपिलेट ट्राइब्यूनल, सेक्शन 43। रियल एस्टेट एपिलेट ट्राइब्यूनल के पास जाओगे। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ट्राइब्यूनल की भी स्थापना करेगी जो कि रेरा अथॉरिटी के ऊपर आएगा। कितने टाइम में? जब रेरा अथॉरिटी की स्थापना कितने टाइम में हुई? विद इन 1 ईयर फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। तो ये ट्राइब्यूनल की स्थापना भी विद इन 1 ईयर होगी। अच्छा, अथॉरिटी में तो आए चेयरपर्सन प्लस 2 मेंबर, कम से कम 2 मेंबर। यहां पे कौन होगा? कहता है जी यहां पर भी होंगे। कौन? एक रहेगा। एवरी बेंच ऑफ द एपिलेट ट्रिब्यूनल शैल कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट एक ज्यूडिशियल मेंबर और एक एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्निकल मेंबर। यानी कि एक ज्यूडिशियल और एक टेक्निकल मेंबर, ये दोनों कम से कम रहेंगे ही रहेंगे।
अच्छा, फिर यहां पर कौन सा केस आएगा, यहां पर कौन सा केस आएगा? कहता है कोई भी व्यक्ति जो कि एग्रीव्ड होगा बाय एन ऑर्डर मेड बाय द अथॉरिटी और बाय द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, जिसके बारे में अभी चर्चा करनी है, अंडर द एक्ट मे प्रेफर एन अपील बिफोर द एपिलेट ट्राइब्यूनल। बट एक बात ध्यान रखना, प्रमोटर तेरे को नहीं सुनूंगा मैं, प्रमोटर तेरे को नहीं सुनूंगा मैं बिल्कुल, जब तक कि तो कम से कम 30% जो पेनल्टी तेरे ऊपर लगाई गई है और सच हायर परसेंटेज जो कि एपिलेट ट्राइब्यूनल डिसाइड करेगा वो तो पे करके नहीं आता। पेनल्टी किसने लगाई है, रेरा अथॉरिटी ने या फिर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने? जब तक तू 30% पे करके नहीं आएगा तब तक प्रमोटर की बात बिल्कुल नहीं सुनी जाएगी, प्रमोटर की बात बिल्कुल नहीं सुनी जाएगी। फिर ट्राइब्यूनल के पास केस फाइल करने का प्रोसीजर क्या है? कहता जी ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति जो एग्रीव्ड हुआ है या कंपिटेंट अथॉरिटी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मे प्रेफर एन अपील टू द एपिलेट ट्राइब्यूनल विद इन 60 डेज। 60 दिन के अंदर अंदर अपील फाइल की जा सकती है, इसको एक्सटेंशन भी किया जा सकता है अगर सफिशियंट रीजन है 60 दिन में प्रेजेंट ना करने के। एपिलेट ट्राइब्यूनल दोनों पक्षों को सुनवाई का मौका जरूर देगा, दोनों पक्षों को सुनवाई का मौका देने के बाद उसे जो ऑर्डर सही लगेगा वो ऑर्डर पास कर देगा। मगर एक बात ध्यान रखना, कोशिश जरूर करना कि जितना जल्दी हो सके उतना निपटाओ, जिसका मतलब है 60 दिन के अंदर अंदर। अगर नहीं कर पाए 60 दिन के अंदर अंदर तो फिर रीजन फॉर डिले मेंशन करना पड़ेगा कि आपका डिले क्यों हुआ। और जीता जैन जी आपको मिल जाएगा बेनामी का, बेनामी की कल ही है शायद नंबर, बेनामी का कल है या परसों, आई एम नॉट श्योर, मगर नंबर है वो देख लेना टेलीग्राम शेड्यूल। कंपोजिशन ऑफ द एपिलेट ट्राइब्यूनल, जो एपिलेट ट्राइब्यूनल थे उसमें कौन सा था? एक तो जुडिशियल मेंबर था, एक टेक्निकल मेंबर था, साथ में एक चेयरपर्सन जरूर आएगा। चेयरपर्सन एंड नॉट लेस देन टू होल टाइम मेंबर, ऑफ विच वन शैल बी अ जुडिशियल मेंबर एंड वन शैल बी अ टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर। जुडिशियल मेंबर का मतलब है जुडिशियरी से आना चाहिए, किसी कोर्ट का जज वगैरह। और टेक्निकल मेंबर है, इसके पास ना ज्ञान होना चाहिए मार्केट का बहुत ज्यादा, ठीक है। चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह भी बन सकते हैं, यस वो भी बन सकते हैं। तो देखिएगा क्वालिफिकेशन वगैरह लिखा हुआ है सेक्शन 46 के अंदर, क्वालिफिकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर्स। क्वालिफिकेशन फॉर द चेयरपर्सन ऑफ द फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर्स, ये सेक्शन 46 में छोड़ सकता हूं अगर आ जाए तो, कि इनका कॉम्पोजिशन क्या होता है और इनकी क्वालिफिकेशन, सेक्शन 46 रेफर कर सकते हो। उसके बाद मैं आता हूं टर्म्स ऑफ द ऑफिस ऑफ द चेयरपर्सन एंड मेंबर। अभी रेरा में भी किया था, यहां पे भी दोबारा वही के वही आ गए हैं, मगर वो बिल्कुल मिलते जुलते नहीं है। प्लीज मेक श्योर, यहां पे थोड़ा सा अलग है, वहां पे मैक्सिमम एज कितनी थी, 5 साल और 65 ईयर्स। बट यहां पर ध्यान रखना, चेयरपर्सन शैल नॉट होल्ड ऑफिस आफ्टर ही हैज अटेन्ड द एज ऑफ 67 ईयर्स, तो थोड़ा सा डिफरेंट है। बट वहां पे क्या थे, मिनिमम 2 मेंबर्स थे ना, यहाँ पे टेक्निकल और ज्यूडिशियल मेंबर हैं, तो यहाँ ज्यूडिशियल और टेक्निकल मेंबर के लिए ध्यान रखना एज 65 ईयर्स ही है। थोड़ा सा डिफरेंस अपने आप देख लेना, मतलब देख के लेना, अब तो लिख ही दिए, अंडरलाइन कर दिए। सैलरी वगैरह पेबल टू चेयरपर्सन एंड मेंबर्स कहाँ से पे की जाएगी, वो रूल्स वगैरह में प्रेस्क्राइब कर दिया जाएगा। चेयरपर्सन और मेंबर एज द केस में भी रेलिंक्विश करना चाहते हो तो कम से कम 3 महीने का नोटिस देना, और रिमूव्ड करना चाहते हो तो सेक्शन 49 में जो कारण दिए हुए हैं उनके अनुसार ही रिमूव कर सकते हो। अगर कोई वैकेंसी कॉज्ड होती है इन द ऑफिस ऑफ द चेयरपर्सन और द मेंबर तो 3 महीने के अंदर फिल की जाएगी। ध्यान रखना सेक्शन का, ध्यान रखना सेक्शन का, ध्यान रखना सेक्शन 48 इज टॉकिंग अबाउट द एपिलेट ट्राइब्यूनल। एक क्वेरी आई है, कहता है ऑन गोइंग प्रोजेक्ट जिसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट विद इन 3 मंथ इशू होगा एक्ट के एस्टेब्लिश से, तो क्या उस प्रोजेक्ट को भी? हाँ जी, कंप्लीशन सर्टिफिकेट जिसका भी नहीं आया उसको सबको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ना शुरू करते हैं। रिमूवल ऑफ चेयरपर्सन, बिल्कुल वही जैसे रेरा अथॉरिटी का था। इंसॉल्वेंट कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस मोरल टेपिट्यूड का, फिजिकल और मेंटली इनकेपेबल, फाइनेंशियल इंटरेस्ट, अब्यूज हिज पोजिशन, याद आया? अगेन द चेयरपर्सन और ज्यूडिशियल और द टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर शेल नॉट बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस एक्सेप्ट बाय एन ऑर्डर मेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट आफ्टर एन इंक्वायरी मेड बाय द जज ऑफ द हाई कोर्ट और रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ड। वहां पे तो क्लॉज नंबर डी और ई में थे,
बट यहां पर कहता है रिमूव नहीं करोगे जब तक कि इंक्वायरी ना हो जाए। इंक्वायरी होने के बाद ऑब्वियसली डीओरी में ही इंक्वायरी होगी और कहीं नहीं होगी। और आगे बढ़े, रेस्ट्रिक्शन ऑन द चेयरपर्सन ज्यूडिशियल मेंबर टेक्निकल मेंबर ऑन द एम्प्लॉयमेंट आफ्टर सेसेशन ऑफ ऑफिस, बिल्कुल वही मिलता जुलता, वही मिलता जुलता सेक्शन 50 है, ध्यान रखना। अगर ऑफिस छोड़ के गए तो फिर क्या होगा, ना तो ऐसी संस्था के साथ वर्क करोगे जिसके लिए आपने कोई, जिसकी प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट किया है, स्टेचुटरी अथॉरिटी के पास आप एम्प्लॉय हो सकते हो, किसी भी ऐसी इंफॉर्मेशन को लीक नहीं करोगे जो आपने प्राप्त की थी और जो जनरल पब्लिक को अवेलेबल नहीं है, किसी भी ऐसे इंप्लॉयमेंट में नहीं लगोगे उस क्लाइंट के पास जो आपके पास आया था केस लेके। बिल्कुल वही का वही है, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं महसूस हो रही होगी। और आगे बढ़ते हैं, ऑफिसर एंड अदर एम्प्लॉय ऑफ द एपेलेट ट्राइब्यूनल, अगेन चेयरपर्सन की सुपरिटेंडेंस में रहेंगे, जरूरत नहीं है, छोड़ सकते हो। वैकेंसीज, अगर कोई भी वैकेंसी अराइज होती है तो फिर कैसे फिल की जाएगी, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट अनदर पर्सन इस वैकेंसी को फिल करने के लिए। पावर ऑफ द ट्राइब्यूनल, जी ट्राइब्यूनल की पावर, जैसे रेरा अथॉरिटी की पावर थी, बिल्कुल वही की वही पावर जो कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में दी गई है। कौन कौन सी है, समनिंग, किसी को बुलाना, उसका एग्जामिनेशन करना, डॉक्यूमेंट को डिस्कवर एंड प्रोड्यूस करवाना, रिसीविंग एविडेंस ऑन द एफिडेविट, ये एक नई पावर आई है, एंड इशूइंग द कमीशन फर्दर इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करना। सारी प्रोसीडिंग जो कि एपेलेट ट्राइब्यूनल के सामने चलेंगी वो ज्यूडिशियल प्रोसीडिंग मानी जाएगी, यानी कि तमीज से पेश आना, जज साहब जो है उल्टी सीधी सजा दे सकते हैं वरना, इंडियन पीनल कोड के अंतर्गत। पता लगा आपने वहां गाली गलौज कर दिया, वेज नॉन वेज शुरू हो गए आपस में ही, तो जज साहब एक्शन ले लेंगे आपके ऊपर, ध्यान रखना। ज्यूडिशियल प्रोसीडिंग उतनी इज्जत देना जैसे नॉर्मल जज को देते हो, पता लगा वहां जज का मजाक उड़ाने लग गए, ऐसा नहीं हो सकता। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ द एपेलेट ट्रिब्यूनल, जैसे वहां दी अथॉरिटी के पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, यहां पे भी चेयरपर्सन साहब के पास ही है सेक्शन 54 में। वैकेंसी नॉट टू इनवैलिडेट द प्रोसीडिंग ऑफ एपेलेट ट्रिब्यूनल, सेक्शन ध्यान रखना बस 55 एपेलेट ट्रिब्यूनल का है। कोई भी वैकेंसी और डिफेक्ट हुआ, कोई डिफेक्ट इन द अपॉइंटमेंट हुआ या इरेगुलरिटी इन द प्रोसीजर हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, एपेलेट ट्रिब्यूनल की प्रोसीडिंग इनवैलिड नहीं होगी, नहीं होगी। सेक्शन 56 राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन, क्या कोई अलॉटी खुद जाके अथॉरिटी के पास जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, ही कैन अपियर इन पर्सन लाइक परेश रावल इन द केस ऑफ ओ माई गॉड, याद है। और लीगल प्रैक्टिशनर की मदद भी ली जा सकती है, यस। चार्टर्ड अकाउंटेंट की मदद भी ली जा सकती है, यस। इसलिए विनय मिश्रा जी, अगर वो इंसॉल्वेंट वगैरह हो गया तो उसके लिए इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑब्वियस सा है। चलिए, मोरल डेप्यूटीट में कोर्ट का जजमेंट होता है, उसे आप एक्सेप्ट करते हो, वहां इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो लिख देते तो ज्यादा अच्छा था, तो इसलिए डी और ई पॉइंट में लिखते तो ज्यादा अच्छा था। चले, फिर कहता ऑर्डर पास बाय द अपीलेट ट्रिब्यूनल टू बी एग्जीक्यूटेबल एज अ डिक्री, मतलब अगर कोई भी ऑर्डर वगैरह पास किया है इस अपीलेट ट्रिब्यूनल ने तो इसे भी सिविल कोर्ट की जैसे डिक्री होती है ना, क्योंकि है तो सिविल लॉ, ये क्रिमिनल लॉ तो है नहीं, तो इसलिए इसे डिक्री ऑफ सिविल कोर्ट के रूप में ही माना जाएगा, और जैसे सिविल कोर्ट के ऑर्डर को एग्जीक्यूट किया जाता है वैसे ही एग्जीक्यूट किया जाएगा, और एरियर ऑफ रेवेन्यू के रूप में जैसे हमने पहले पढ़ा वैसे रिकवरी की जाएगी। अपील टू द हाई कोर्ट, अपीलेट ट्रिब्यूनल के ऊपर कौन आएगा, हाई कोर्ट। कितने दिन में अपील फाइल हो सकती है, 60 दिन के अंदर अंदर, जिस दिन आप कोई कम्युनिकेशन ऑफ द ऑर्डर हुआ है। क्या इसे एक्सटेंड किया जा सकता है, यस, हाई कोर्ट इसे एक्सटेंड कर सकता है अगर उसको लगता है सफिशिएंट रीजन है, सफिशिएंट रीजन है। बट कहता है नो अपील शैल लाई अगेंस्ट एनी डिसीजन बाय द अपीलेट ट्रिब्यूनल विद द कंसेंट ऑफ द पार्टीज, ध्यान रखना। हाई कोर्ट में कोई भी ऑर्डर, कोई भी अपील नहीं फाइल करोगे जब कंसेंट ऑफ द पार्टीज से अगर आपने कुछ ऑर्डर वगैरह पास किया है। फिर उसके बाद बात करता है पनिशमेंट की, ध्यान रखना हेडिंग, ध्यान रखना बट पनिशमेंट का, हेडिंग पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखना। पनिशमेंट किस बात की है, नॉन रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 3, सेक्शन 3 में रजिस्ट्रेशन ना कराया, कराने की पेनल्टी कहाँ है, 59 के अंदर, ओके, सेक्शन 59 पेनल्टी फॉर नॉन रजिस्ट्रेशन। अंदर का कंटेंट तो चिपका दोगे मगर ध्यान रखना पेनल्टी में कौन सा सेक्शन लग रहा है ये ध्यान रखना बस। अगर सेक्शन 4 में एप्लीकेशन जो फाइल की है उसके अंदर प्रॉपर एफिडेविट वगैरह गलत दिए हैं
सेक्शन 60 की पेनल्टी आपका इंतजार कर रही है। किसी भी और प्रोविजन का अगर तीन और चार को छोड़कर उल्लंघन हुआ है, सेक्शन 61 की पेनल्टी आपका इंतजार कर रही है। पेनल्टी फॉर नॉन रजिस्ट्रेशन एंड कॉन्ट्रावेंशन और अंडर सेक्शन 9 एंड 10। ओहो, ध्यान है, सेक्शन 9 एंड 10 रियल एस्टेट एजेंट के लिए, कि तब तक बेटा काम नहीं करोगे जब तक तुम्हारा रजिस्ट्रेशन ना हो जाए। और फिर सेक्शन 10 बात करता है रियल एस्टेट एजेंट के फंक्शंस के लिए, तो रियल एस्टेट एजेंट पे जब भी अटैक होगा पेनल्टी कहां है, सेक्शन 62 के अंदर है। फिर फेलियर्स की पेनल्टी आती है, फेलियर्स की कहता है अगर मान लीजिए अथॉरिटी का ऑर्डर नहीं माना, सेक्शन 63 की पेनल्टी है, अथॉरिटी का ऑर्डर ना माना तो, ठीक है। एपलेट ट्रिब्यूनल का ऑर्डर ना माना तो सेक्शन 64 की पेनल्टी है। किसके ऊपर? प्रमोटर के लिए, प्रमोटर के लिए ध्यान रखना। ऐसे ही 65 के अंदर पेनल्टी किसकी है? अगर रियल एस्टेट एजेंट ने अथॉरिटी का ऑर्डर ना माना। सेक्शन 66 की पेनल्टी अगर रियल एस्टेट एजेंट ने अपीलेट ट्राइब्यूनल का ऑर्डर ना माना। सेक्शन 67 में अगर अलॉटी ने अथॉरिटी का ऑर्डर ना माना। सेक्शन 68 में अगर अलॉटी ने अपीलेट ट्राइब्यूनल का ऑर्डर ना माना। फिर आता है ऑफेंसेस बाय कंपनीज। सेक्शन हर सेक्शन हर एक्ट के अंदर है, ऑफेंसेस बाय कंपनीज। कहता अगर कंपनी ने कोई भी ऑफेंस किया, किसी भी कंपनी ने इस एक्ट के अंदर, तो हर वो व्यक्ति जो कि उसका इंचार्ज है उसको सजा मिलेगी। शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ, हर एक्ट में है ऑफेंस, एंड शैल बी लाइबल टू बी प्रोसीडेड अगेंस्ट एंड पनिश्ड अकॉर्डिंगली। ठीक है, उसके बाद कहता है कि अगर मान लीजिए ही कैन प्रूव कि ऑफेंस उसकी नॉलेज के बिना हुआ था, या फिर उसने प्रॉपर ड्यू डिलीजेंस किया था, तो वो बच जाएगा। अच्छा, फिर कहता है वेयर एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट हैज बीन कमिटेड बाय कंपनी, कंपनी ने ऑफेंस कमिट किया, और ये जो ऑफेंस कमिट हुआ है ये उसी व्यक्ति की सहमति या मिलीभगत से हुआ है, यह उसी व्यक्ति की नेग्लिजियंस के कारण हुआ है, तो बेटा इसे ऊपर वाले पॉइंट का गुड फेथ का बेनिफिट मैं नहीं दूंगा, और फिर इसे गिल्टी माना जाएगा और उसके खिलाफ एक्शन लिया ही जाएगा। तो पहला पॉइंट, अगर कोई भी ऑफेंस हुआ तो कंपनी और उसके ऑफिसर्स दे विल बी लाइबल, उसी पॉइंट का सेकेंड पैरा, छोड़ देंगे अगर गुड फेथ में है, सेकेंड नहीं छोड़ेंगे अगर उन्हीं के नेग्लिजेंस, कंसेंट या कनिवेंस के कारण यह हुआ है। ठीक है ना, कंपनी का मतलब क्या होगा? सारे रियल एस्टेट एजेंट, सारे डेवलपर जो हैं या रियल एस्टेट एजेंट जो है वो कंपनी होंगे? नहीं, कुछ प्रोपराइटरशिप भी हो सकती है, कुछ पार्टनरशिप भी हो सकते हैं, कि एओपी बीओआई भी हो सकते हैं। तो फिर कंपनी का मतलब सब चीज़ें हैं, बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड द फर्म, एओपी बीओआई, और डायरेक्टर का मतलब पार्टनर इन द फर्म वगैरह भी होगा, ध्यान रखना। तो सबको पकड़ा गया है। कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस, भाई हमने देखा कि पेनल्टियाँ लगेंगी 10-10% या मैक्सिमम अमाउंट दे रखे हैं, तो फिर भाई उस 10% को पे करने के लिए पता नहीं कितनी बार मीटिंग पे जाना पड़ेगा अथॉरिटी की। तो इससे अच्छा एक वन टाइम सेटलमेंट कर लो, वन टाइम सेटलमेंट जिसे कंपाउंडिंग कहते हैं, वो अमाउंट किसी भी
तरीके से जो मैक्सिमम अमाउंट दे रखा है फाइन का, उससे एक्सीड तो कर नहीं सकता, तो कंपाउंडिंग कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। वन टाइम सेटलमेंट, मतलब इतनी पेनल्टी पे करो खत्म। पावर टू एडजुडिकेट, ये ध्यान रखना, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के बारे में बात की गई है, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। देखो ये ऐसा है, बड़ी सीधी सी बात है, कुछ ऑफेंस ऐसे हैं जो कि सेक्शन 12, 14, 18 एंड 19 में मेंशन है, बस ध्यान रखना, शायद इस लेवल का सवाल वो पूछ ले कि ये कहां पर जाएगा। 12, एडवर्टाइजमेंट में चेंज हुआ, एडवर्टाइजमेंट चेंज्ड, जो लॉन्च किया था वो कुछ अलग निकला। 14 क्या था? सेंक्शनड प्लान चेंज्ड, याद आया, सेंक्शन प्लान में चेंज हुआ। 18 क्या था? प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर पाए, फेलियर टू कंप्लीट। और 19 क्या था? अलॉटी, अगर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह पूरी ना कर पाया। इन झगड़ों के लिए अथॉरिटी के पास मत जाना, सुप्रीम कोर्ट के पास हमेशा जा सकते हो रिहान जी, मगर क्वेश्चन ऑफ लॉ पे जा सकते हो। अगर आप लोगों को लगता है क्वेश्चन ऑफ लॉ किसी भी एक्ट में ना भी लिखा हो ना, ध्यान रखना, तब भी क्वेश्चन ऑफ लॉ पे जा सकते हो। भारत का संविधान आर्टिकल 149 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को ये पावर देता है, आर्टिकल 141। चले, इन चार सेक्शन में जब भी केस बनेगा, जब भी केस बनेगा, उस केस को निपटाने के लिए वन और मोर ज्यूडिशियल ऑफिसर एज डीम्ड नेसेसरी हु इज और हैज बीन अ डिस्ट्रिक्ट जज टू बी एन एडजुडिकेटिंग ऑफिसर अथॉरिटी अपॉइंट कर सकती है फॉर होल्डिंग एन इंक्वायरी इन द प्रेस्क्राइब मैनर एंड आफ्टर गिविंग एन ए पर्सन कंसर्न अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ट। अगर इनसे रिलेटेड केस अगर इन फोरम्स के पास पेंडिंग भी हैं, कंज्यूमर डिस्प्यूट, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, फिर भी विद द परमिशन ऑफ इन फोरम या कमीशन की फोरम से विड्रॉ कर सकता है इनसे केसेस और फाइल कर सकता है एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के पास। क्या ऐसा हो सकता है वो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के पास भी चलने दे और कंज्यूमर फोरम में भी चलने दे? ऐसा भी हो सकता है। अब जो लेटेस्ट जजमेंट आ रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, फिर कहता है द एप्लीकेशन फॉर एडजुडिकेटिंग कंपनसेशन शैल बी डील्ड बाय द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर जितना जल्दी हो सके उतना विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन। अगर 60 दिन में नहीं कर पाया तो फिर रीजन फॉर रीजन देना पड़ेगा कि क्यों नहीं कर पाया। एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के पास भी वो सारी पावर है जो कि नॉर्मली किसी भी कोर्ट कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में दी जाती है, लाइक समनिंग एंड एनफोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन, ध्यान रखना, किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करवाना, और अगर उसको लगता है कि इंक्वायरी फर्दर इंक्वायरी करने की जरूरत है तो फिर वो फर्दर इंक्वायरी वगैरह भी कर सकता है। और इंक्वायरी वगैरह करने के बाद अगर उसे लगता है कि कोई पार्टिकुलर व्यक्ति किसी पार्टिकुलर सेक्शन को कंप्लाई नहीं कर पाया है तो इंटरेस्ट वगैरह डिसाइड करने की पावर भी इसके पास है। आगे, फैक्टर टू बी टेकन इन टू अकाउंट बाय द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर सेक्शन 71 के बाद 72, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, 71 प्लस 72 का कॉम्बो आएगा जब भी आएगा। तो 72 क्या कहता है? 72 क्या कहता है? कहता है जी, बड़ी सीधी सी बात है कि जब भी 71 के अंदर वो कंपनसेशन या इंटरेस्ट का अमाउंट डिसाइड करेगा, कौन कंपनसेशन या इंटरेस्ट का अमाउंट डिसाइड करेगा, कौन डिसाइड करेगा? एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। तो फिर कुछ मामलों को जरूर ध्यान में रखेगा, कौन कौन से मामलों को ध्यान में रखेगा? पहला, अमाउंट ऑफ अनफेयर एडवांटेज वेयर क्वांटिफिएबल मेड एज अ रिजल्ट ऑफ डिफॉल्ट, प्रमोटर ने कितना फायदा उठाया है, लॉस अलॉटी को कितना हुआ है, कितनी बार ये इवेंट रिपीट किया गया है, और सच अदर फैक्टर एज द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर कंसीडर्ड नेसेसरी। ये अपनी इंक्वायरी में वो इन चीजों को जरूर कंसीडर्ड करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
ग्रांट एंड लोन, फालतू की चीजें वैसे छोड़ सकते हो। सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट से अप्रूवल लेने के बाद अथॉरिटी को ग्रांट एंड लोन दे सकती है। सिमिलरली स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लेजिस्लेशन से अप्रूवल लेने के बाद अथॉरिटी को ग्रांट एंड लोन वगैरह दे सकती है ताकि उसके फंक्शन चलाए जा सके। आगे बढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फंड ध्यान रखना आ सकता है। रियल एस्टेट रेगुलेटरी फंड बनाया जाएगा जिस फंड में सारी गवर्नमेंट ग्रांट वगैरह जो रिसीव हुई है या जो फीस वगैरह आप रिसीव कर रहे हो, वो जो सेक्शन 3 में रजिस्ट्रेशन करते हो ना, तो सेक्शन 4 में एप्लीकेशन के साथ फीस जमा करानी पड़ती है, वो फीस और इंटरेस्ट जो इनको बैंक में रखने पे अराइज हो रहा है वो सब आएगा। फंड किस लिए पे होगा? वो जो सैलरियां वगैरह पे करनी है चेयरपर्सन अदर मेंबर और एम्प्लॉयज वगैरह की, वहां पे ये पे होगा। ठीक हो गई इतनी बात, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। और जितना भी अमाउंट आप पेनल्टीज वगैरह से रिकवर कर रहे हो, जितनी ये पेनल्टियां थी सेक्शन 60 की सीरीज में, वो सारी की सारी पेनल्टियां कहां जाएंगी? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, आपने पढ़ा होगा ऑडिट के अंदर। चले बजट अकाउंट्स एंड ऑडिट कौन करेगा? ऑडिट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल करेगा। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जब इस पे रिपोर्ट बना के देगा तो रिपोर्ट बनाकर किसके पास जाएगी? पार्लियामेंट पे जाएगी और या फिर स्टेट लेजिस्लेटर के पास जाएगी, वेर इट कंसिस्ट ऑफ टू हाउसेस, और मतलब इन सब के पास जाएगी रिपोर्ट। रेलेवेंट नहीं है पेपर में, रेलेवेंट नहीं है पेपर में। अगेन एनुअल रिपोर्ट, अगेन रेलेवेंट नहीं है पेपर में, छोड़ सकते हो। सेक्शन 78 बिल्कुल भी देखना छोड़ सकते हो। बार ऑफ ज्यूरिसडिक्शन ये देखना, बार ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, अगर रेरा अथॉरिटी के पास केस आया तो क्या कोई सिविल कोर्ट उसके ऊपर अपनी टांग अड़ा सकता है? नहीं, कोई स्टे नहीं। चाहे केस अथॉरिटी के पास आए या एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के पास आए या अपेलेट ट्राइब्यूनल के पास आए, तो कोई भी और केस, कोई भी और कोर्ट इंजंक्शन या स्टे ऑर्डर पास नहीं करेगा, स्टे ऑर्डर पास नहीं करेगा। सेक्शन 80 कहता है कि मान लीजिए अथॉरिटी ने देखा कि प्रमोटर ने फ्रॉड किया है, प्रमोटर ने फ्रॉड किया, अथॉरिटी ने कहा कि भैया इसके खिलाफ तो क्रिमिनल कोर्ट में एक्शन लेना चाहिए, तो क्रिमिनल कोर्ट में एक्शन कैसे लोगे? अथॉरिटी के पास केस है तो क्रिमिनल कोर्ट में एक्शन कैसे होगा? लॉ कहता है देखो जी ऐसा है, कोर्ट उस मामले को अपने अंडर ले लेगा, कोर्ट सीधा उस मामले को अपने अंडर ले लेगा। अगर कोर्ट में कंप्लेन किसने जमा कराई है? अथॉरिटी ने या फिर एनी ऑफिसर ऑफ द अथॉरिटी ने कंप्लेन जमा कराई है, तो फिर कोर्ट उस मामले को सीधा में लेके प्रमोटर वगैरह के खिलाफ जो भी क्रिमिनल एक्शन लेने हैं शुरू कर सकता है। बट ये क्रिमिनल केसेस के लिए ऐसा रेफर करते हैं नॉर्मली, सिविल कोर्ट तो ये खुद ही अथॉरिटी, बट अगर सजा दिलानी हो ना प्रमोटर की तो ये रेफर करते हैं। तो इसलिए केसेस कहां पर जाते हैं? मैजिस्ट्रेट के पास जाते हैं। मैजिस्ट्रेट का मतलब ये क्रिमिनल ऑफेंस हुआ है, मैजिस्ट्रेट का मतलब ये होगा कि क्रिमिनल ऑफेंस हुआ है। ठीक हो गई इतनी बात। चलिए जी फिर सेक्शन 81 ये भी देखने वाला बनता है। कहता है अथॉरिटी किसी भी ऑर्डर के द्वारा डेलीगेट कर सकती है किसी मेंबर को, डेलीगेट टू एनी मेंबर ऑफिसर ऑफ द अथॉरिटी को और एनी अदर पर्सन सब्जेक्ट टू सच कंडीशन इफ एनी एज मे बी स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर सच ऑफ इट्स पावर एंड फंक्शन अंडर दिस एक्ट। फॉर एग्जाम्पल अकाउंट्स बनाने की पावर, अकाउंट्स मेंटेन करने की पावर अकाउंट्स डिपार्टमेंट को, हायरिंग की पावर एचआर डिपार्टमेंट को, ये ऐसा किया जा सकता है। ठीक है जी। फिर पावर ऑफ द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू सुपरसीड द अथॉरिटी, क्या अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इस अथॉरिटी को ओवररूल कर सकती है? हाँ, मैक्सिमम 6 महीने के लिए। जब तक आप अथॉरिटी को ओवररूल करोगे तब तक आप किसी और व्यक्ति को ऐसा गवर्नर या फिर प्रेसिडेंट वगैरह के रूप में अपॉइंट करोगे, और जैसे फिर 6 महीने के अंदर नए लोग अपॉइंट हो जाएंगे तो फिर ठीक है। जब तक 6 महीने के अंदर अंदर जब तक ये ओवररूल हुआ है तब तक सारी पावर्स अथॉरिटी की किसके पास है? जिसे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है, यानी कि पुरानी जो अथॉरिटी थी वो अब कोई भी एक्शन नहीं कर सकती। मगर अथॉरिटी को ओवररूल कब किया जाएगा? अगर किसी भी हालत में अगर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को लगता है कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में है, या फिर अप्रोप्रिएट अथॉरिटी ने डिफॉल्ट किया है इन कंप्लाइंग विद द डायरेक्शन गिवन बाय द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, जिसका रिजल्ट ये हुआ है कि फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द अथॉरिटी पूरी तरह से हिल गई है, या अथॉरिटी अनेबल टू डिस्चार्ज इट्स फंक्शन है एज पर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। ये तीन कारण हैं, ये तीन कारण हैं। ठीक हो गई इतनी बात। और फिर
मैक्सिमम 6 महीने के लिए रहेगा, और उसके बाद जैसे ही ऑर्डर पास होगा सभी चेयरपर्सन और मेंबर अपना ऑफिस छोड़ देंगे। सारी पावर वो व्यक्ति एक्सरसाइज करेगा जिसे कि अपॉइंट किया जाएगा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा, सबसेक्शन 1 में जो मेंशन है। सारी प्रॉपर्टी केवल उसी व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में आ जाएगी। फिर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या करेगी, रिकॉन्स्टिट्यूट करेगी अथॉरिटी को नए तरीके से, मगर जो पुराने लोग थे उनमें से जो सही समझदार थे उनको दोबारा से अपॉइंट किया जा सकता है, वो डिस्क्वालिफाइड नहीं होंगे, ध्यान रखना। ठीक हो गई इतनी बात। आगे सेक्शन 83 छोड़ देना, जरूरत नहीं है। सेक्शन 86 छोड़ देना, सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है रूल्स फ्रेम करने की, मिसलेनियस प्रोविजंस भी करने की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। ये था रेरा, तेल संपूर्ण रूप से निकला है, मगर मैं कहूंगा कि सबसे इजी एक्ट पूरे इलेक्टिव में अगर कोई है तो वो यही है। मोहित कहते हैं भगाओ मत सर, भगा नहीं रहा बेटा, जो जरूरी है वो बता रहा हूं, इनमें लग गया तो फिर पास होना मुश्किल है, इसलिए इनमें मत लगियो। ये जो चीजें हैं वैसे डिटेल क्लासेस में करवा चुका हूं, मगर ये पढ़ने की जरूरत नहीं। अच्छा हाँ, अब उसने मोहित ने याद दिला ही दिया है तो एक चीज याद दिला देता हूं, एक्ट टू हैव एन ओवरराइडिंग इफेक्ट। रेरा अथॉरिटी का जो केस बनता है वो केवल इसी अथॉरिटी में आएगा और कहीं नहीं जा सकता। ये जो एक्ट है ये बाकी एक्ट के एडिशन में है, यानी कि बाकी एक्ट के अंदर जो पेनल्टियां प्रेस्क्राइब हैं, फॉर एग्जांपल फ्रॉड किया तो फ्रॉड की सजा जो मिलेगी वो मिलेगी, मगर रेरा एक्ट की पेनल्टियां अलग हैं। रिपील का मतलब खत्म कर देना, वो करना नहीं है, ये तो जैन जी खत्म नहीं करना, वो कर्म मतलब आपने करना नहीं, वो सेक्शन करने की जरूरत नहीं है। एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है साहिल जी कि कई बार ऐसा ऑफिसर होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होता है, गवर्नमेंट उसको यहां पर भी डेलीगेट करती है, एक्स ऑफिशियो कहलाता है। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय टू हुम अ सेपरेट डेलीगेशन इज गिवन इज कॉल्ड एन एक्स ऑफिशियो एम्प्लॉय। चलो जी, थैंक यू। कल कौन सी क्लास है आप टेलीग्राम पे देख लीजिएगा और मैं उसका क्रिएटिव भेज दूंगा कल। यस, ये क्लास यूट्यूब पे रहेगी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बहुत खुश रहो, बहुत खुश रहो, खुश रहो, अपना ध्यान रखो। थैंक यू, बाय बाय।